वेबिनार ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट, डिविडेंड एंड डीम्ड इनकम ऑल्सो, एंड ऑन दिस सब्जेक्ट वन एंड वन एंड वेरी वेरी ऑनरेबल आवर सी ए ग्रीस आहूजा जी विद अस. आई वेलकम यू सर. आई ऑल्सो वेलकम रामदेव काकड़ा जी, सुनील धमीजा जी, अश्वनी जिंदल जी, गौरव अग्रवाल जी, जगजीत जी, पंकज जी, राजीव कोहली जी, एंड अबव ऑल मैडम ऑनरेबल फॉर्मर आई टी आई टी मेंबर सी ए रानो जैन जी. आई ऑल्सो वेलकम मैडम अगेन वंस अगेन यू एंड रिक्वेस्ट यू काइंडली इंट्रोड्यूस आवर गुरु जी टूडेज वेबिनार एंड ओवर टू यू मैडम. थैंक यू राजेश जी. गुड इवनिंग एवरीवन. और डॉक्टर गिरीश आहूजा सर को मेरा बहुत 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 सादर प्रणाम. और सर आप मानेंगे, ये राजेश जी बड़ी अजीब बात करते हैं ना कि मैडम इंट्रोड्यूस करेंगी गुरुजी को. गुरुजी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? और मेरी हैसियत जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं? नहीं नहीं साहब, ये ऐसा नहीं हो सकता. चलिए फिर भी मौका मिला है तो कुछ एक दो शब्द बोल देती हूँ. क्या बोलूं, सच में समझ में नहीं आ रहा है. मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम एस आर सी सी. तो सर को तो देख सर को तो बहुत देखा हुआ है, लेकिन मुझे याद है मेरी फर्स्ट टाइम 1-to-1 मीटिंग हुई थी सर की, वेद जैन जी के ऑफिस में हुई थी. उनके उनसे कोई मीटिंग होगी आपकी, वो 16-17 साल पहले की बात है. हेलो, तो वेद जैन जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया सर से कि ये रानू है, मेरी बहन है. और फिर उन्हें एकदम याद आया, बोले ये भी सर, ये भी श्रीराम कॉलेज से है. तो सर एकदम हंस के बोले, अच्छा अच्छा फिर तो मैंने पढ़ा रखा होगा. मैंने कहा नहीं सर, मैं आई वॉज अनफॉर्चुनेट, मैं सी सेक्शन में थी, आप नहीं पढ़ाते थे. फिर जैसे होता है ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे हस्बैंड को आपने ही पढ़ाया हुआ है. तो सर हंस पड़े. और सर यकीन मानिए, आज भी जब मैं किसी को पता चलता है मैं एस आर सी सी हूँ उससे हूँ, तो वो पलट के बोलता ही है कि गिरीश आहूजा जी ने पढ़ाया होगा आपको. तो मैं बताती नहीं हूँ कि आपने मुझे नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखिए पढ़ाए बिना पढ़ाए पढ़ तो आप ही से रहे हैं. और ये सभी मानेंगे यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सीए बन गए तो आपके बिना तो गुजारा ही नहीं है ना. अगर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी भी हालत में गुजारा ही नहीं है आपके बिना. मतलब एक्टिवली, पैसिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप हमारे काम में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं. और आपकी जो लैंग्वेज है ना, मेरे बच्चे भी, जो मेरे ऑफिस के बच्चे भी है ना, वो भी बड़ा हंसते हैं, कहते हैं मैडम को तो डॉक्टर गिरीश आहूजा की लैंग्वेज समझ में आती है. मैंने कहा एक्चुअली मुझे उन्हीं की समझ में आती है, मुझे किसी और की नहीं आती. चाहे कॉलेज में पढ़ाया आपने नहीं पढ़ाया, लेकिन एक असर तो है ही ना सर. तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी इंक्लूडिंग मी, हम बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं. मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप बोलते हैं. तो लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात सर, मुझे राजेश जी बता रहे थे कि पूरी फ्रेटर्निटी ये चाह रही है कि आपको पद्मश्री ही मिले. आप उसके हकदार भी हैं और आपको मिल भी जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कुछ प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. तो सर इस मुहिम में इन सबके साथ मैं भी हूँ, और इन सबके साथ सबके बिहाफ पर आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज देखिए, आपने इस प्रोफेशन के लिए इतना कुछ किया, ये और कर दीजिए ना, हमारे को भी कुछ फायदा हो जाएगा कि हाँ देखो सीए भी कहाँ तक पहुँचते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू राजेश जी जो मुझे ये मौका दिया. ओवर टू यू. थैंक यू मैडम फॉर योर नाइस वर्ड अबाउट अवर गुरुजी. And without taking too much time, I straight away request our Guruji and also welcome Sanjay Sharma ji for Celtics Bar Association. Sir, over to you, Guruji. Hello. Good evening to one and all, and a former member of the ITAT, Ranu Jain ji. मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, इसलिए तो ITAT member बन गई. नहीं तो सी. अच्छा मेरे से नहीं पढ़े. शायद आप उस पर वहां तक ना पहुंच से. चलिए 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 मजाक कर रहा हूँ. चलिए, एंड द फाउंडर ऑफ द स्टडी सर्कल राजेश अग्रवाल जी, सुनील धमीजा जी, राजीव कोहली जी, गौरव अग्रवाल जी, जगजीत सिंह जी, पंकज मित्तल जी, रविंदर काकड़ा जी, ऑफ कोर्स एडवोकेट संजय शर्मा जी, एंड अबव ऑल द कर्ता ऑफ द सीए पटर्निटी अश्विनी जिंदल जी. लोग कहते हैं कर्ता का नाम पहले लेना चाहिए. मेरे हिसाब से कर्ता का नाम बाद में ही होना चाहिए, क्योंकि वो कर्ता है हमारे. चलिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आपको पता है फॉर कंप्यूटिंग योर टोटल इनकम देयर 5 heads ऑफ इनकम, एंड डेफिनेट सेक्शंस हैव बीन गिवन टू दोस 5 heads ऑफ इनकम, लाइक सेक्शन 15, 16, 17 हैज बीन गिवन टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द सैलरी. देयर यूज्ड टू बी सेक्शन 18 टू 21
for interest on securities, which has been merged with what you call income from other sources. Those sections are not there. 20 to 27 sections are for income from house property. 28 to 44 DB sections are there for the purpose of computing income under the head business and profession. Section 45 to 55 is there for computing the income from capital gain. And finally, section 56 to 59 are there for computing the income under the head income from other sources. ये 56 to 59 section है जो आपको बात करते हैं. 56 तो बात करेगा कौन सी income taxable है. I'll tell you that. 57 deductions from such income, 58 the expenses which are not allowed, and 59 talks about deemed income chargeable to income tax under this section. So आइए जरा 56(1) को सुनिए क्या कहते हैं. Income of every kind. जरा language सुनिए 56(1) क्या कहता है. Income of every kind, which is not excluded under the Income Tax Act, and which is not chargeable to tax under the first four head of income, shall be taxable under the head income from other sources. क्या कहता है? क्या in other words, there should be an income. पहले तो income होना जरूरी है. And second, that income should not be exempt. अगर वो income exempt है section 10 में, तो यहाँ लेना ही नहीं. That should not be exempt. And third is, it should not be chargeable to tax under first four head, that is salary, house property, business and profession, capital. अगर वो नहीं है तो it will be taxable under the head income from other sources. तभी हम इसको residuary head of income कहते हैं. Residuary head के मतलब ये हो गया कि any kind of income is going to be taxed there, which is not covered under first four head and which is not exempt. लेकिन रुकिए, section 56 subsection 2 कुछ specific income की बात करता है, which will always be taxable under the head income from other sources. 56(1) तो general की बात कर रहा है, all income other than not covered under first four head or which is not exempt. 56(2) कहता है, ये जो income है, बात बताने जा रहा हूं, specific income है, वो हमेशा income from other sources में taxable होगी. और उसके नीचे आता है section 56 subsection 1 and 2 clause I. 56 subsection 2 clause I जो बात करता है dividend income. Dividend income हमेशा income from other sources में taxable होगी, चाहे वो dividend investment की income से आया हो, investment in share की वजह से आया हो, या वो dividend आपको stock in trade से आया हो, अपने investment stock in trade रखी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एंड दूसरा भी इनकम ऑफ द नेचर होता है, जो इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड है, वो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड कहते हैं. है तो इन्हें भी वो डिविडेंड ही, लेकिन हम उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, वो भी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. और डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो डिविडेंड हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई कहता है. आई ये सेक्शन नहीं है, आई बी सेक्शन कहता है, इनकम फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉस पर्पजल रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और एनी गेम ऑफ एनी अदर गेम, एनी अदर गेम और एनी अदर एक्टिविटी ऑफ सिमिलर नेचर, इसकी भी इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी अंडर द अदर सोर्सेज. हमेशा टैक्सेबल होगी अदर सोर्स इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, ये भी वहां पर. अब सेक्शन आई सी क्या कहता है, 56(2) आई सी. देखिए, आप इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर करते हैं. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस इनकम में पहले इनकम फ्रॉम इनकम मानी जाती है, फिर उसको डिडक्शन देते हैं सेक्शन 36(1). लेकिन अगर बिजनेस रन नहीं कर रहे और आपके पास इंप्लॉय है, बट यू आर नॉट रनिंग एनी बिजनेस, इंप्लॉय है और उसका इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द प्रोविडेंट फंड और ईएसआई और एनी अदर अप्रूव्ड फंड, किसने किया? इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. जगजीत जी, इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी कहता है, इट विल बी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. वो अलग बात है, हम अलग सेक्शन में जाकर कहेंगे
कि ये डिडक्शन मिल जाएगी आपको अगर आपने वो डिपॉजिट कर दिया एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज वी ए दैट इज ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ड्यू डेट ऑफ ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट में, मतलब प्रोविडेंट फंड एक्ट की ड्यू डेट, ईएसआई की ड्यू डेट में वो जमा करा दिया तो हम डिडक्शन देंगे, नहीं तो हमने तो इसको इनकम मान ली। जगजीत जी, हमने तो इसको इनकम मान ली है, हम डिडक्शन तब देंगे जब आप इसको ड्यू डेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 36(1)(b)(a) ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट, जो 15 तारीख है आपको पता ही है, पर प्रोविडेंट फंड भी और ईएसआई भी 15 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको जमा कराना है, करा दीजिए तो डिडक्शन ले लीजिए। ये 57 सेक्शन में लिखा है, करा दीजिए तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं कराएंगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। सो ये है सर 50। सी अब आया, देखिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दी एड सैलरी और इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दी एड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो पैसा आएगा अगर वो एम्प्लॉई होता तो वो उसकी टैक्सेबल होती अंडर दी एड सैलरी एम्प्लॉई को, अगर वो बिजनेसमैन हमने की मैन पॉलिसी ली पार्टनर्स के लिए किसके लिए तो वो बिजनेस के चैप्टर भी हो, लेकिन हम की मैन पॉलिसी अगर किसी और की लेते हैं जो एम्प्लॉई नहीं है, जब पहले एम्प्लॉई था अब उसको वापस मिला एम्प्लॉई नहीं है तो उस केस में हमने उसको असाइन कर दिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, पेमेंट फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर हुआ सर? फिर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2i कहता है, ये तो 2i होगा, 3 इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ एनी मशीनरी फर्नीचर और प्लांट शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपका बिजनेस है लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी फर्नीचर एंड प्लांट तो ऑब्वियसली आप वहां पर जाएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन के, लेकिन इफ इट इज नॉट योर बिजनेस एंड यू आर लेटिंग आउट एनी मशीनरी फर्नीचर एंड प्लांट तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। अभी थोड़ी देर में दोबारा आऊंगा। फिर कहता है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी मशीनरी फर्नीचर और प्लांट अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, अलॉन्ग विद द बिल्डिंग प्रोवाइडेड द रेंट रिसीव्ड इज इनसेपरेबल, इट इज अ कॉम्पोजिट रेंट एंड इट इज इनसेपरेबल। अगर वो सेपरेट रेंट होता बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी का तो आप कहां ले जाते? आप डेफिनेटली उसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाते, और बाकी जो रेंट होता वो कहां ले जाते? वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिला। तो कई बार सर आप मकान किराए पे देते, फर्निश्ड अकोमोडेशन किराए पे देते, अगर तो आपने किराए पे मकान दिया, फर्नीचर का वगैरह का आपने सेपरेट रेंट रखा और उसका हाउस प्रॉपर्टी का सेपरेट रखा तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट टैक्सेबल होगा अंडर दी एड हाउस प्रॉपर्टी, और जो रेंट फ्रॉम मशीनरी फर्नीचर एंड प्लांट जो इंस्टॉल्ड है उस हाउस पे वो अगर उसका सेपरेट रेंट रिकवर किया तो कहां टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली अदर सोर्सेज में होगा। लेकिन अगर आपका आपका बिजनेस ही है ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मशीनरी फर्नीचर एंड प्लांट अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, जैसे आपने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे दी और आपका बिजनेस उसका था खाली पड़ी थी टेम्परेरी, तो उसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में ले जाते हैं तो यहां नहीं लेते, इसलिए वो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। Are you getting my point? So, मेरा पॉइंट ये है, वो 56 का 4 वहां पर आ गया। बिल्डिंग इनसेपरेबल है और आपको रेंट कंबाइंड मिला है और बिजनेस के हेड में टैक्सेबल नहीं होने वाला तो ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंबाइंड ही टैक्सेबल होगा, कंपोजिट रेंट है। अब सुनिए सर, राजेश जी, हमारे यहां लॉ बनता है लेकिन बनाने वाले ही उसको मिस यूज कर। पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ गिफ्ट टैक्स हट गया था 98 में, सबको पता है गिफ्ट टैक्स हट गया था, और गिफ्ट टैक्स जब हटा उसके बाद हमारे नेतागणों ने बहुत ज्यादा गिफ्टें लेनी शुरू कर दी और पर्टिकुलरली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज करोड़ों रुपए की गिफ्ट ले। वो कहते थे इतनी गिफ्ट कहाँ से आई? वो कहते हमारे 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 फैन है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उन्होंने गिफ्ट दिए, आपको क्या मतलब, ये तो एग्जेम्प्ट है, गिफ्ट टैक्स अभी है नहीं तो एग्जेम्प्ट है। अब नेता ने ही बनाया था, अब नेता को रोकने के लिए तो इन्होंने फिर एक सेक्शन डाला 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कि अगर आप गिफ्ट लेंगे तो पर पर्सन 25,000 से ऊपर नहीं,
25,000 तक है तो हम माफ कर देंगे, और 25,000 के ऊपर होगी तो हम उसको टैक्स कर देंगे, पर पर्सन की बात कर रहा हूं। तो राजेश जी, उस नेता ने टीवी पे कह दिया अपने बर्थडे पर कि मुझे गिफ्ट दे दीजिए, बर्थडे पे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 25,000 से ऊपर गिफ्ट किसी से नहीं लेंगे, 25,000 से ऊपर गिफ्ट नहीं लेंगे, और 12 करोड़ रुपए की गिफ्टें 25,000 की रिसीव कर, वो भी माफ थी। फिर नेता तो आप बदल नहीं सके, फिर लॉ बदल दिया, और फिर लॉ बदल के 56 सेक्शन 2 क्लॉज 7 ले आए, वो 7 उसमें कहा आप गिफ्ट ले सकते हैं लेकिन सिक्स ले आए, आप गिफ्ट ले सकते हैं लेकिन एग्रीगेट अमाउंट और मनी जो गिफ्ट में लेंगे वो 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, वेदर फ्रॉम 1% और मोर देन 1%। फिर नेता फंस गए, बर्थडे आ गया, अब क्या करें कि तो 50,000 से ऊपर लेना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कह दिया मैंने कोई कैश गिफ्ट नहीं ली, ना कैश को तो हाथ ही नहीं लगाना, बताया इसका मतलब चेक भी हो सकता है, हाथ ही नहीं लगाना, काइंड में जो मर्जी दे दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, ज्वेलरी दे दीजिए, शेयर दे दीजिए, लेकिन काइंड में नहीं ले ली जगजीत सिंह जी। फिर बर्थडे आया और नेता के सिर पर एक मुकुट पड़ा दिया गया 4 करोड़ रुपए का, स्टडेड विद डायमंड पर्ल्स रूबी सफायर्स, ये मुकुट पहनाया गया बर्थडे, वाह भाई वाह, मुकुट पहनाया गया और काम चल गया। नेता फिर भी नहीं बदला, लॉ फिर बदल गया, और लॉ को हमने 2009 से फिर बदल दिया। रजेश क्या बदला, वेयर हमने उसको करा, वेयर ए पर्सन रिसीव ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000, एक क्लॉज ये डाला, बी क्रॉस डॉलर एनी इमोबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड, फिर डाला एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 50,000 गिफ्ट तो हम उसको टैक्स कर। नेता ने पढ़ा ये क्या हो गया, वो राजेश जी के पास गया, ये क्या हो गया, ये तो सारी चीजें कवर हो गई, ये तो मनी भी आ गई, इमोबल प्रॉपर्टी भी आ गई, और ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गई। राजेश जी कहने लगे जरा मुझे पढ़ने दो। राजेश जी ने सेक्शन पढ़ा, वहां लिखा था मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। उसने कहा सर ज्वेलरी लिखा है, ज्वेलरी की डेफिनेशन में लिखा होता है ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मेटल, वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी, वो सब लिखा है। कहता है यहाँ बुलियन नहीं लिखा है, ज्वेलरी लिखा है, बुलियन नहीं है, और बुलियन ज्वेलरी नहीं होती मैडम, बुलियन ज्वेलरी नहीं होती। उसने कहा बुलियन ही ले लो, बुलियन ले लो तो गिफ्ट नहीं होगी। तो लॉ ने फटाफट अक्टूबर में आके बुलियन भी इंक्लूड कर दिया अगले आइटम, ये 56 सबसेक्शन 27 आया। अब लोगों ने कहा क्या करें, ये तो फंस गए। तो उसने कहा रुकिए, ये इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में सेक्शन 56 2 10 7 है, ये बाकी पर्सन के लिए तो नहीं है, तो ट्रस्ट में ले लो और किसी भी तरीके से ले लो, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं ले सकता 50,000 से। लॉ फिर बदल गया, अबे ये क्या हो रहा है, ये सीए बाज नहीं आएंगे, ये नई नई चीजें बता देते हैं। तो अब उन्होंने एक नया सेक्शन डाला जिसका नाम रखा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, वो मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे 5, 6, 7 और 10 कराना था, तो मैंने इकट्ठा आपको हिस्ट्री समझा दी कि क्या करा है हम लोगों ने। 5 शुरू हुआ 25,000 से, फिर आया 50,000 रुपए मनी, फिर 50,000 से आ गया प्रॉपर्टी भी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी और मनी भी, फिर भी लोग बाज नहीं आए, फिर भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था, तो अब आ गया एनी पर्सन। तो 56 2 10 समझ में आ गया राजेश जी, और वो भी आ गया। उससे पहले मैं जाऊंगा, एक सेक्शन आया था 56 2 7 A, वो भी खत्म हो गया। वो लिखता था अगर फर्म और कंपनी अगर कोई अनलिस्टेड शेयर रिसीव करे विदाउट कंसीडरेशन फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन तो वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अब सारे पर्सन आ गए तो 56 2 7 A को भी उठाकर मर्ज कर दिया 56 2 10, तो ये भी खत्म हो गया सर। अब आया 56 2 8, सर ये कंपनसेशन मिलता है अनाउंस कंपनसेशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और अनाउंस कंपनसेशन, पहले एक जजमेंट थी
कि भाई अगर इनहांस कंपोजिशन में इंटरेस्ट मिलेगा तो पुरानी डेटा को खोलकर आप अपनी असेसमेंट कराओ टू रिस्पेक्टिव ईयर टू विच इट बिलोंग्स। ये तो बड़ा मुश्किल पड़ गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन 145(1)(b) में और सेक्शन 56(2)(8) में VII(8) में रजेश जी क्या डाला, एनी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और अनाउंस कंपनसेशन रिसीव्ड एज रेफर टू इन 145(b)(1) शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 56(2)(8) में डाला है रजेश जी, 56(2)(8) में डाला है। वो 57 में बताऊंगा जाकर क्लॉज IV में कि 50% की रिडक्शन मिलती है। 145(b) में तो ये लिखा ये रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा जगजीत जी, 155(b) में लिखा ये रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा, लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये इंटरेस्ट, वो कहता है 56(2)(8) में होगा, लेकिन क्या डिडक्शन मिलेगी वो 57(IV) में लिखा है कि आपको 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, ओवर द ईयर नहीं लेके जाना, रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल करना। ये 56(2)(8) हुआ। उस दिन रजेश जी मेरे से बात कर रहे थे और एक क्वेश्चन पूछा कि सर 56(2)(9) में मुझे कोई एडवांस मिला है, उन्होंने ये नहीं पूछा था, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस मिला है और वो एडवांस फोरफिट कर लिया जाए तो उसका क्या होगा। कहता जी मैंने कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा तो उन्होंने कहा ये कॉस्ट से लेस हो जाता है। उन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सेक्शन 51 पढ़ा था, 51 में तो यही था कि वो कॉस्ट से लेस हो जाता है, लेकिन उसकी तो अमेंडमेंट बहुत देर हो गई आ चुकी और उसके बदले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IX आया, Where any sum of money is received as advance or otherwise on account of negotiation of a capital asset. आप एक capital asset की negotiation कर रहे हैं और आपको कोई advance of money मिला है, and that advance of money जगजीत जी is forfeited and negotiation did not result into a transfer, तो उस केस में वो income from other sources मान लिया जाएगा। और वो एनी कैपिटल एसेट लिखा है रजेश जी, एनी कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी नहीं, एनी कैपिटल एसेट। अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट के लिए एडवांस लिया और एडवांस लिया फॉर नेगोशिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, लेटर ऑन दैट एडवांस इज फॉरफीटेड एंड नेगोशिएशन डिड नॉट रिजल्ट इनटू द ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट, तो हम उस पूरे अमाउंट को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करेंगे, वो एसेट की कॉस्ट से लेस नहीं। रजेश जी यही सवाल पूछा था आपने, तो ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IX में आ चुका है और उनको बोलिए 51 सेक्शन 2014 से ये खत्म हो चुका है, भूल जाइए। बात ये है रजेश जी, हमने पढ़ा बहुत था इनकम टैक्स जब हम CS फाइनल पास कर रहे थे, उसके बाद दिल नहीं करता पढ़ने का, दिल नहीं करता है, और हम तो अपनी याददाश्त से ही कहते हैं कि यार हमें तो पता है ये तो कॉस्टलेस होती थी। सर अब फेसलेस असेसमेंट आ गया रजेश जी, अब पढ़ना पड़ेगा, अब आप नहीं कह सकते मैं उसको जानता हूं मैं उसको करा लूंगा, अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा और हर सेक्शन को पढ़ना ही राजीव जी पढ़े, रजीव जी तो पढ़ते हैं मुझे पता है, रजीव जी तो पढ़ते हैं, मैं सबको बोल रहा हूं सर कभी भी जवाब देने से पहले एक बार सोच लीजिए अगर आप अपडेट नहीं है कि मैं देख के बताऊंगा। ये पुराना था जो 14 तक था, उसके बाद ये बदल चुका है, अब तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है अगर कोई एडवांस फोरफीट कर लिया जाए। तो मैंने अभी तक 56(2)(9) भी बता दिया, 10 भी बता दिया, 11 तो इसलिए आ गया सर एक कंपनसेशन मिला एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट का आपको हटा दिया गया, वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। एक कंपनसेशन बिजनेस वाले में मिला तो वो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल हो जाता है, कोई आपको एंगेजमेंट का कुछ मिला, लेकिन अगर वो सैलरी वाला नहीं है, अगर वो बिजनेस वाला नहीं है फिर भी अगर कंपनसेशन मिला ड्यू टू मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वो अदर सोर्सेज में है तो वो टैक्स कहां करेंगे रजेश जी, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज XI। तो 56(2) में 11 चीजें हैं जो हमेशा अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी, बाकी तो बहुत ज्यादा अदर इनकम है जिसके लिए स्पेसिफिक नहीं बोला गया, अगर वो
वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, वो इनकम है, एग्जेम्प्ट नहीं है और पहले चार हेड में नहीं आती, तो वो लास्ट वाले हेड में तो आएगी ही आएगी। क्लियर हो गया सर? एक मैंने एक समरी दे दी। आइए अब हम डिविडेंड इनकम पे चलते हैं। सबको पता है कि पहली अप्रैल 2020 से अब डिविडेंड का सारा कॉन्सेप्ट बदल गया है। पहली अप्रैल 2020 से पहले डिविडेंड वाज सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कंपनी वाज लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सबको पता है कि वो होता था। फिर आपको ये भी पता है एक सेक्शन 2 क्लॉज 22E होता था, उस केस में जो आपको एडवांस और लोन दिया जाता था वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होता, रिसीपिएंट के हाथ में एडवांस और लोन होता था, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता था। फिर उसमें भी अमेंडमेंट लिया है 2017 में, सुनील जी 2017 में कह दिया अगर वो एडवांस और लोन है तो उस पर भी डिविडेंड देना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसका रेट 30%। वो भी वहां ले आए लेकिन रेट 30%। आप मेरी बात समझ रहे? पहले क्या था, किसी पुराने जमाने में डिविडेंड रिसीपिएंट के हाथ में टैक्स होता था जगजीत जी, फिर उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले आए, लेकिन वो 222A, B, C, D के लिए था, 222E के लिए हम कहते थे नहीं, ये शेयर होल्डर के हाथ पे टैक्स होगा क्योंकि रिसीपिएंट है उसको देंगे वो जो एडवांस और डिविडेंड। फिर उसको भी लॉ ने बदल दिया और कह दिया नो, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बट द रेट विल नॉट बी दैट 20%, रेट विल बी 30%। अब तो सारा ही बदल दिया सुनील जी। 1 अप्रैल 2020 के बाद अब डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीपिएंट है और किसी के हाथ में नहीं है। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल कर इंपॉर्टेंट कॉल, सो आई हैड टू टेक इट। हाँ जी, तो राजेश जी सुनिए, डिविडेंड अब किसके हाथ में टैक्सेबल है? Obviously, किसके हाथ में टैक्सेबल है? रिसीपिएंट के हाथ। लेकिन रुकी, ये हमने करवाया, आप गाली देंगे, ये आपने क्यों करवाया? जब हम इनकम टैक्स को रीराइट कर रहे थे तो हमने ये कहा इसको टैक्स कर दीजिए, वो इनकम टैक्स एक्ट तो अब आना ही नहीं है जो हमने लिखा, लेकिन वहां से उन्होंने चुन चुन के जो पॉइंट थे वो अपने फेवर वाले तो ले लिए और जो हमारे फेवर वाले थे वो तो छोड़ दिए। लेकिन सुनिए क्या आप कहेंगे, सर मरवा दिया क्योंकि वहां 20% टैक्स लगता है। अब राजेश जी को अगर डिविडेंड आएगा, इनकी तो इनकम 10 लाख से ऊपर है, इनको तो 30% टैक्स लगेगा, ये तो मरवा दिया, ये तो गलत हो गया। अरे मैं खुद मर गया सर, मैं तो खुद मर गया, क्योंकि 10 लाख तक तो आपको पता ही है कि 10 लाख तक तो हमें टैक्स नहीं लगता था ना, 10 के ऊपर ही लगता था ना, तो 10 लाख का डिविडेंड आता था और मेरे को राजेश जी 7 लाख 8 लाख डिविडेंड आता था उन दिनों में जब मैं लॉ बना रहा था। तो मैंने कहा तो मर जाऊंगा मैं, 7-8 लाख में मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी तो देती है मैक्सिमम 20% के करीब और मुझे देना पड़ेगा 30%। सिर्फ 30% नहीं है, उसके ऊपर सरचार्ज भी है और उसके ऊपर एजुकेशन टैक्स भी है, वो 36% पड़ रहा है मुझे। अगर मैं 15% के अंदर हूं और 25 के ऊपर हूं तो और 25% के हिसाब से जोड़ो, लेकिन वो 15-25 नहीं है, जान के मैंने बोला वो हमेशा 15 ही रहेगा सरचार्ज। ये भी इसलिए मैंने जान के बोला कि आप मुझे पकड़ लेना, सरचार्ज 15 से ऊपर नहीं होगा डिविडेंड के ऊपर। तीन चीजों पे सरचार्ज 15 से ऊपर नहीं होना, अगर 15 से कम है तो ठीक है, तीन चीजों पे नहीं होना। एक तो डिविडेंड इनकम, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। राजीव जी इस पे सरचार्ज इंडिविजुअल का 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता, आपकी जितनी भी इनकम हो, मोर देन 2 करोड़ भी हो, 15% ही हो। समझ में आ गया सर? ये लॉ ने लिख दिया है सरचार्ज के बारे में, ये डिविडेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, याद रखना 112A वाला। आप कहेंगे ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है वह सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी तो लगता है इसलिए। अब लेकिन मैंने ये क्यों करा था डिविडेंड, सुनिए सर जी, हमारे यहाँ फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं जगदीश जी,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ इन्वेस्ट होता है। होता क्या था, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता था उनके हाथ में तो एग्जेम्प्ट था, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देती थी, कंपनी यूज्ड टू पे, इट वाज एग्जेम्प्ट इन देयर हैंड। पर प्रॉब्लम क्या थी, वो अपनी कंट्री में वो क्योंकि वो वहां के रेजिडेंट है वो डिविडेंड वहां पर टैक्स होता था, चाहे यहां पर वो एग्जेम्प्ट था। तो जब यहां एग्जेम्प्ट था वहां टैक्सेबल होता था, तो वो शोर मचाते थे कि कंपनी ने 20% दिया हुआ है तो वो तो हमें क्रेडिट दो। वो क्रेडिट कैसे दे दे, वो तो कंपनी ने दिया था, शेयर होल्डर इसने थोड़ी दिया था सीआई ने। तो इसलिए हमारे पर बड़ा प्रेशर था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन का कि भैया ये गलत है, हमें हमें वहां पर क्रेडिट नहीं मिलता है तो हमें तो डिविडेंड हमें टैक्स लगा दीजिए, हम जहां यहां टैक्स देंगे उतना हमें वहां क्रेडिट मिल जाएगा, और जब टैक्स भी देंगे तो मैक्सिमम टैक्स तो 20% है उनके लिए, और ट्रीटी में आकर तो 10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो इसलिए तो उनको फायदा हो गया ना, जितना दिया उतना वहां क्रेडिट ले लिया। पहले तो यहां जो मिलता था 20% मिलता नहीं था, अब उनको मिला, डिविडेंड पूरा मिला, कोई टीडीएस नहीं, कोई टैक्स नहीं दिया कंपनी ने, तो पूरा देगी कंपनी। हमने 5 दिया तो 5 का क्रेडिट ले लिया, 10 दिया तो 10 का क्रेडिट ले लिया, अगर डीटीए में 10 है, अगर कोई भी डीटीए नहीं है तो 20 दिया, तो हमें तो वहां क्रेडिट मिल गया ना, तो हमें तो दिक्कत। इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत खुश हुए कि ये इन्होंने राइट डिसीजन लिया है कि भैया हम टैक्स रिसीपिएंट को लगाए। और वो छोटे छोटे आदमी भी खुश हुए, रजेश जी जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उनको तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तो उनको तो डिविडेंड टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि 87 है में इनकम एग्जेम्प्ट कर लेते हैं, 5 से नीचे वाले। अगर 5 के ऊपर भी है तो उनका स्लैब हो सकता है नई रिजीम में 10% हो या 15% हो या 20% हो, यहाँ तो उनको पूरा 20% लगता था। तो छोटे छोटे भी इन्वेस्टर हैं उनको फायदा हुआ, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको फायदा हुआ, और आपको और मुझे और रजेश जी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। मुझे तो बहुत नुकसान हुआ, मैं आपको क्या बताऊं, ये जितना डिविडेंड सर रजेश जी 8 लाख आ रहा है, 36% टैक्स दे, पहले तो 20 ही लगता था, अब तो 36 लग रहा है, मैं तो मर गया ना, अब क्या करे। कहते हैं ना कई बार करना पड़ता है, अपने को नहीं देखना पड़ता, वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, कंट्री एज ए होल को देखना। सलाह भी आपने ही दी थी ना सर। सलाह मैंने इसलिए दी थी कि फॉरेन हमें यहाँ पर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तो बढ़ गया है, इतना पैसा आता है तो वो भी तो देखना पड़ता है सर, कुछ कमाने के लिए खोना भी पड़ता है, तो खो दिया, तो आप लोग मुझे गाली मत देना, लेकिन अब डिविडेंड टैक्स उसको लगता है। अब आया मैं 222 कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड को आप सिंपल मतलब मत ले लेना डिविडेंड, हमें तो डिविडेंड का वो पता है जो कंपनी ने हमें दिया, टीडीएस काट के दिया या नहीं दिया, वही हम डिविडेंड जानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में वो डिविडेंड सिंपल नहीं होता, उसमें डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूडेड होता है। और सेक्शन 222 सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच एंटेल्स द रिलीज ऑफ अ कंपनी एसेट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच एंटेल्स द रिलीज ऑफ द कंपनी एसेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट वो क्या कह रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच इंटेल्स द रिलीज ऑफ द कंपनी एसेट। सर दो तरह के अगर तो आपको मनी में दिया वो तो आपको आई गया, वो टैक्सेबल जो होता है सर मनी वाला, वो तो होता है डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द टाइम व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड। ये तीनों का मतलब क्या है सर रजेश जी, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द टाइम व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, मुझे जरा मतलब किसी को समझ में आना चाहिए, ये डिक्लेयर्ड क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब हुआ और पेड का क्या। सर डिक्लेयर्ड होता है बोर्ड करके रिकमेंड करते हैं तो एजीएम में डिक्लेयर्ड हो जाता है, वो आपको एजीएम में हो जाता है और आपको मिलता है, वो तो डिक्लेयर्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहा हूं आपसे, इंटेलिंग द रिलीज ऑफ द कंपनी एसेट, आपने उसको डिविडेंड मनी में नहीं दिया, कोई काइंड में एसेट दे दी सर, उसको एक काइंड में कोई एसेट दे दी,
तो आपने कंपनी की एसेट दी, वो कहता है ये एसेट जो काइंड में मिली है वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उसको भी टैक्स लगेगा इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सर इंटेल द रिलीज ऑफ द कंपनी एसेट, आपने कंपनी ने क्या किया, अपने जो इन्वेस्टमेंट शेयर थे डिविडेंड ना देके शेयर दे दिए सारे अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर दे दिए, तो काइंड में दिए, मनी में तो नहीं दिए, लेकिन वो भी डीम डिविडेंड है। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कैपिटलाइज्ड का मतलब समझे, आपने हो सकता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बोनस शेयर में दे दिए तो वो कैपिटलाइज्ड हो गए, उसको भी लेना है, उस अमाउंट को जो बोनस शेयर दिए गए उस अमाउंट को भी लेना है, और बाकी जो रिजर्व्स में पड़ा है उसको भी लेकर, अगर उतने अमाउंट तक अगर आपने कोई एसेट दी है अपने शेयर होल्डर को इन काइंड, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। समझ में आया सर? 222A। नेक्स्ट सेक्शन है 222 क्लॉज बी। आपने कई बार डिविडेंड, आपने एसेट नहीं दी, क्योंकि आपने कहा एसेट दोगे तो डीम्ड डिविडेंड, आपने कहा क्या एसेट नहीं देते, डिबेंचर्स दे देते, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देते, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हैं, डिबेंचर कोई एसेट थोड़ी होती है, डिबेंचर तो लाइबिलिटी है कंपनी की, और आपको डिबेंचर दे दिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, वेदर विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, ये दिए इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये पूरा का पूरा डीम डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नो। राजेश जी, अगर आपको शेयर, आपको उन्होंने डिबेंचर फ्री दे दिए तो ये डीम डिविडेंड, ये आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिए, कोई पैसे नहीं लिए, फ्री दे दिए, चाहे उसमें इंटरेस्ट था या नहीं, दे दिए ना, चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये डीम डिविडेंड है। कितने अमाउंट तक? जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और दूसरा, आपने क्या किया, बोनस शेयर दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्लीज नॉट जगजीत जी, बोनस शेयर शेयर होल्डर को नहीं दिए, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए, तो वो भी डीम्ड बिना डिविडेंड माना जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये समझ में आ रही है? रजे जी कह रही है हमने पढ़ा कहा है, हम तो नॉर्मल डिविडेंड की बातें करते हैं, ये क्या बातें करे जा रहे हैं? सर बातें तो जब मुझसे पढ़ाओगे तो मुझे तो बताना तो पड़ेगा ना सर, कि क्या है कि डिबेंचर देना, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देना टू द शेयर होल्डर डीम डिविडेंड, और अगर बोनस शेयर दे दिए जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाता है। फिर लिक्विडेशन का कंपनी हुआ, और लिक्विडेशन के टाइम पे रहे कि आपको पैसा मिला कंपनी से, उतना पैसा जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, उसको तो डीम डिविडेंड मानेंगे, बाकी कैपिटल गेन होगा उतना डीम डिविडेंड होगा। जगजीत जी समझ रहे हैं? आपको आपका शेयर 20 रुपए का था, लिक्विडेशन के यहाँ पे आपको 100 रुपए मिल गए, आप कहेंगे 100 - 20 इंडेक्स कर को 20 को और कैपिटल गेन मान लो, वो कहता ना 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 ना, ये सारा कैपिटल गेन नहीं है। राजीव जी, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कैपिटलाइज्ड और नॉट, वो अगर आप बांट देते तो डिविडेंड टैक्स पड़ता ना पड़ता, तो उतना अमाउंट जितना लिक्विडेशन के टाइम में आपको अप टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट मिला है, वो तो डीम डिविडेंड माना जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो स्लैब रेट है, और बाकी पे कैपिटल गेन। ये क्लियर हुआ सर? आप तो सोचते हैं रिडक्शन, और फिर 222D क्या कहता है, रिडक्शन कर दी कंपनी ने कैपिटल, अरे शेयर को की वैल्यू कम कर दी और आपको पैसे दे दिए, और जब पैसे दिए तो उसमें आपको पैसे मिले, आप कहेंगे तो डीम डिविडेंड, ये तो कैपिटल गेन हो जाएगी, कहता रुको, जितना रिडक्शन के टाइम में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको मिला वेदर कैपिटलाइज और नॉट, उसको डिविडेंड मानेंगे, और उस डीम डिविडेंड पे आपको टैक्स नॉर्मल अदर सोर्सेज में देना पड़ेगा, और बाकी जो उसके बाद आएगा उस पर टैक्स कैपिटल गेन में देना पड़ेगा। सर ये समझ में आ रहा है? 222A, 222B, 222C, 222D आ गया समझ में सर? आगे चलू, कोई क्वेश्चन तो नहीं है रजेश जी इसके ऊपर? सर एक छोटी सी क्वेरी है। आइए कोहली साहब आ गए। सर 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था,
मैंने 100 रुपए का खरीदा और मेरे को कंपनी ने लिक्विडेशन के अंदर 200 रुपए मिल गए। अब मेरी वैल्यूएशन जो होगी 10 रुपए वर्सेस द आप कॉस्ट को तो छोड़ दीजिए अपन। हाँ, आपने 100 का खरीदा, आपकी कॉस्ट 100 रुपए है, वो जब कैपिटल गेन निकालेंगे आप वहां पे जाओ। हाँ, उसको तो भूल जाओ। अब हम देखेंगे कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे और उसके ऊपर कैपिटलाइज कोई किया तो वो भी ले लीजिए, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं सबके, मल्टीप्लाइड बाई योर नंबर ऑफ शेयर, वो आपका डीम्ड डिविडेंड। ओके, थैंक यू। समझ में आ गया ना सर? वो डिविडेंड है, उससे ऊपर जो मिलेगा वो कैपिटल गेन मिलेगा। तो आप वो 200 रुपए से उतना तो लेस कर देना जितना डीम डिविडेंड है, बाकी आपकी कंसिडरेशन प्राइस है और आपकी कॉस्ट 100 रुपए है। ठीक है सर कोहली साहब? चलिए, और कोई सवाल किसी का? राजेश जी सर 16 क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन डिफरेंट है सर और टॉपिक पे भी। नहीं, अभी तक जो करा उसमें है तो बोलिए। नहीं सर, हम बाद में ले लेंगे सर, क्वेश्चन बाद में लेंगे सर। अब आया 222E, मैंने जान के रोका है, वो तो आपको पता ही है 90% लोग गलती करते हैं। क्या कहता है? एनी एडवांस और लोन गिवन बाई ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर हु होल्ड्स 10% वोटिंग पावर इन द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अगर आप क्लोजली है कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। राजेश जी, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी है आपकी और आप कोई एडवांस और लोन दे रहे हैं किसको? एक शेयर होल्डर को जिसका 10% वोटिंग पावर उस कंपनी में है, 10% वोटिंग पावर। तो जितना भी एडवांस और लोन है आपने दिया टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूसिव ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, यहां बोनस वाला नहीं ले, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना अमाउंट तक वो डीम डिविडेंड माना जाए। सुनिए रमेश जी, मेरे पास 50 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, 30 लाख के तो मैं बोनस शेयर इशू कर चुका, वो छोड़ दीजिए। अब मेरे पास 20 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मैंने एक शेयर होल्डर जिसके 10% वोटिंग पावर थी उसको 15 लाख रुपए एडवांस या लोन दिया, उसके 10% वोटिंग पावर, तो ये 15 लाख रुपया उस शेयर होल्डर के हाथ में इनकम मान ली जाएगी, इवन इफ ही रिटर्न्स दैट मनी नेक्स्ट डे। हालांकि वो पैसा अगले दिन वापस भी कर दे तो भी इनकम मान ली जाएगी। अगर कोई एडवांस और लोन 15 लाख, आपने एडवांस और लोन 25 लाख का दिया तो रुकिए, 20 लाख तक जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डीम डिविडेंड है और बाकी डीम डिविडेंड नहीं। ये भी क्लियर हो गया? अब रुकिए राजेश जी, मैंने एडवांस और लोन दिया 15 लाख का एक शेयर होल्डर को, ठीक है, और मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20 लाख, ए को दिया तो 15 लाख ए के हाथ में टैक्स होता है। अब बी ने फिर एडवांस लोन ले लिया, एक बी साहब भी है उसके भी 10% वोटिंग पावर है, उसको मैंने लोन दिया 9 लाख, कितना होगा सर? 20 में से 15 ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, चाहे ए के हाथ में हुआ है, तो अब सिर्फ 5 ही होगा बी के हाथ में, 9 नहीं होगा। हमने चाहे वो लोन वापस कर दे तो भी 5 ही होगा, क्योंकि हम 2 बार टैक्स नहीं लगाएंगे। जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ए बी सी डी ई जो भी है, जिसने पहले लिया उतना उसके हाथ में टैक्स लग गया, जो बाकी बचा वो बी के हाथ में हो गया, फिर कोई बचा तो सी के हाथ। मेरी एग्जाम्पल समझ गए जगजीत जी? अगर मेरे पास 20 लाख है, मैंने जगजीत जी जो उसके 10% शेयर है उनको 12 लाख दिया तो 12 लाख इनके हाथ में टैक्स है, 5 लाख मैंने कोहली साहब को दिया तो 5 लाख कोहली साहब के हाथ में टैक्स है, और 8 लाख मैंने सुनील जी को दिया तो सुनील जी के हाथ में तो 3 लाख पे टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख ही तो है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सर? पर मैंने कहा लोन को आप अगले दिन भी वापस कर दो, टैक्स लग गया, लग गया, लग गया 10। और एक और, फिर राजेश ने कहा यार क्या करते हो आप, क्यों लोन लेते हो, किसी कंसर्न को लोन दे दो ना, उसको दे दो ना, जिसको उसको दिलवा दो। तो कहता रुक जाओ, अगर आपने किसी कंसर्न को लोन दिया तो ध्यान रखना उस कंसर्न में अगर आपके 20% शेयर हैं
और 20% वोटिंग पावर है और इधर 10% है तो भी डीम डिविडेंड माना जाए। मैं देखिए यू कर रहा हूं, ये हाथ लंबा कर रहा हूं, ये हाथ छोटा कर रहा हूं, मेरा हाथ देखा लंबा है, मतलब क्या इस कंसर्न जिस कंसर्न को दिया वहां मेरे कितने हैं 20% शेयर, मेरे 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 20% और मेरे 10% इधर है, दोनों देख ले दोनों इधर 10 इधर 20 और अब लोन दिया गया तो इस केस में डीम डिविडेंड माना जाएगा। समझ में आया डीम डिविडेंड। अगर मैंने इधर मेरे 10 से कम है और मैंने इधर 20 से ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मेरे 11 है उधर मेरे 19 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन इधर कितने 10 उधर 20, लेकिन 20 कब देखना है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 20 को देखना है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 10 को देना एट द टाइम ऑफ लू। ये बड़ा खतरनाक काम है, लोग कहते हैं 20 तो है नहीं लोन देते वक्त, वो कहता नहीं आपके 10% हो जाएगी ऑन द डेट ऑफ एडवांस ऑफ लोन और 20% कब होने चाहिए रजे जी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको डीम डिविडेंड माना जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और समझदारी करी, आपने कहा मैं नहीं लेता, मेरी कंसर्न नहीं लेती, मैं किसी और को दिलवा देता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। आपने दिलवा तो किसी और को दिया लेकिन उसने आपको दे दिया तो भी ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। ये क्लियर हो गया सर? हाँ, कुछ केसेस हैं। एक तो है अगर मनी लेंडिंग बिजनेस करते हैं और मनी लेंडिंग बिजनेस में आपने नॉर्मल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपने मनी लेंडिंग की है उस शेयर होल्डर को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो हम क्यों कहेंगे एनबीएफसी है उसका काम है मनी लेंडिंग करना, बैंक वो एनबीएफसी ने मनी लेंडिंग करी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो जो भी इंटरेस्ट होगा। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूं अगर वो मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं है और आपने उसको लोन दिया है चाहे वो इंटरेस्ट में दिया है या विदाउट इंटरेस्ट दिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डीम डिविडेंड माना ही जाएगा इवन इफ यू आर चार्जिंग द इंटरेस्ट। लेकिन एक बिजनेस के लिए एडवांस दिया है, आपने कोई ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं ये माल खरीदना है और मैंने एक एडवांस दिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस मटीरियल और मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रही जॉब वर्क कराना था उसको मैंने 10 लाख रुपए एडवांस दिए कि ये काम करके दे और बाकी मैं तेरे को दूंगा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, तो वो कहता वो तो बिजनेस के लिए एडवांस हो गया। अगर वो बिजनेस के लिए एस्टेब्लिश कर दो दैट इट इज फॉर द सेक ऑफ बिजनेस और ये बिजनेस की कन्वेंशन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि एडवांस दिया जाता है तो फिर उस केस में कैलिको मिल की जजमेंट है उस केस में हम उसको नहीं मानेंगे एडवांस। अदरवाइज सबको बता रहा हूं एडवांस और लोन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक वो जो होता है वो डीम डिविडेंड होता है और हमारी कंपनियों में क्लोजली हेल्ड में तो रोजाना ये काम कर दिया जाता है। ये याद रखना, ये नहीं करिए ये फंस जाएंगे। करना है तो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को सारा खत्म कर दो बोनस शेयर में, उसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन अगर प्रॉफिट बचा है और आपने एडवांस और लोन दे दिया, अगर वो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स के बिजनेस में नहीं है या आपका बिजनेस मनी लेंडिंग नहीं है तो उस अमाउंट को हम डिविडेंड टैक्स आपको लगा देंगे इवन इफ आपको बाद में तो वापस करना है, वापस तो कर रही है लोन। हाँ, एक मुझे एक एग्जाम्पल दे रखी है, आपने लोन लिया और उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितना डिविडेंड लोन से सेटअप हो जाएगा उतने पे दोबारा नहीं, बाकी में जितना डिविडेंड आपने दिया लोन से सेटअप हो गया वो नहीं देना लेकिन बाकी पे तो देना। तो मैंने 222E बड़े नटशेल में आपको कराने की कोशिश की है, हो सकता है कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो पूछ लीजिए, नहीं तो डिविडेंड खत्म हो गया। तो देखिए जगजीत जी का क्वेश्चन है, पूछिए सर। मनी लेंडिंग कंपनी में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा नहीं दिया, मोर देन 10% वाला केस था और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब विदाउट इंटरेस्ट दिया, सो इंटरेस्ट पोर्शन को भी क्या है उसमें? दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, इंटरेस्ट को नहीं मानते। इंटरेस्ट के लिए आता है कि अगर उसने विदाउट इंटरेस्ट दिया और इधर से मनी बोरो करके लिया हुआ है तो वो कहते हैं कि वो खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, बोरो करके अगर आप विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वाई शुड दे अलाउ यू। अगर वो नॉर्मल प्रैक्टिस में बिजनेस के लिए आपने दिया वो तो बात अलग है, लेकिन आपने इधर से मनी बोरो करी
उधर आपने विदाउट इंटरेस्ट दे दिया, तो वो कहेगा भैया तू इस इंटरेस्ट को नेक्सस अगर एस्टेब्लिश हो गया, वो कहेंगे इस इंटरेस्ट पे हम नहीं देंगे, ये इंटरेस्ट खर्चा नहीं देंगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है सर? रजेश जी, डिविडेंड खत्म हो चुका है, और कोई है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते। सर क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं सर, इसलिए बीच बीच में से लेना। चलिए आगे आगे चलिए। अब सर आपने लॉटरी जीती, आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल जीती, आपने कोई कार्ड गेम जीता, आपने कोई रेस जीती, एनी अदर गेम और सिमिलर एक्टिविटी जीती, आपने कौन बड़ा करोड़पति जीता 1 करोड़ रुपए का, वो पहले तो बताते नहीं थे, 1 करोड़ का चेक काट के दिखाते थे, अब लिख दिया, अब नीचे लिखते हैं। अब आपने देखा एक स्ट्रिप आती है कि देखिए इस पे टैक्स का प्रोविजन आपने नहीं दिया, पहले तो बेवकूफ बनाते थे, 1 करोड़ दे ही नहीं सकते, वो तो 30% TDS काट के 70 ही देंगे, कैसे दे रहे थे, अब आपको बनाते थे 1 करोड़पति करोड़पति, वो करोड़पति सोचा था मेरे को करोड़ मिल गया, अरे भाई साहब वो तो TDS कटता है 194B में 30%, लेकिन टैक्स भी आपको 30 नहीं देना है, टैक्स तो 30 के बाद सरचार्ज भी है और एजुकेशन सेस भी देना है रिटर्न भर के, TDS तो 30 कटा है लेकिन इनकम तो 30 से नहीं होगी, मेरी बात को समझे। और लॉटरी विनिंग जो होती है वो ग्रॉस पे टैक्सेबल होती है, नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस, नो अलाउंस, नो सेटअप इज अलाउड फ्रॉम देयर, उसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं मिलता है। 1 रुपए की लॉटरी खरीदी, 100 रुपए का प्राइज आया, 100 पूरा टैक्सेबल है, 1 रुपए का खर्चा भी नहीं मिलता है। रजेश जी आपने 1 लाख की लॉटरियां खरीद ली, 1 लाख रुपए की कई लॉटरियां खरीदी, 1 लॉटरी पे प्राइज आ गया, बाकी 99,999 रुपए लॉस हो गया, नहीं मिलना, जिस पे आया वो भी टैक्स, उसका 1 रुपया भी खर्चा नहीं देना लॉटरी। मैंने कहा लॉटरी खरीदो, किसने कहा तुम्हें लॉटरी खरीदो, जुआ खेलते हो खेलो, हम नहीं देंगे, हम खर्चा नहीं देंगे। रेस जीती, दूसरी रेस हार गए, हार तुम्हारी जीत हमारी, हार तुम्हारी रजे जी जीत हमारी, और जीत पे 30% काट लेंगे हम, जीत हमारी, इनकम टैक्स कहता है मैं कोई लॉस नहीं दूंगा, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा, मैं कोई कॉस्ट नहीं दूंगा इसकी, मैं सीधा टैक्स लगा दूंगा ग्रॉस अमाउंट पे, और वो भी 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेक्स है। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहा है ये लॉटरी भी नहीं, क्रॉसवर्ड पजल रेसेस, कार्ड रेस, रोल गेम वगैरह। अब हॉर्स रेस में तो TDS कटता है, लेकिन कैमल रेस में TDS नहीं कटता है, कटे ना कटे टैक्स तो लगना ही लगना है, हॉर्स रेस और एनी अदर रेस तो टैक्स तो लगना ही लगना है, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1B। ये क्लियर हो गया सर? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एक्टिविटी, सारा तो कर। नेक्स्ट, बता ही चुका हूं कि अगर इंप्लॉई अदर सोर्सेज में उसकी सैलरी मिलती है, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो उसका अगर कोई TPPF और ESI का कंट्रीब्यूशन है, हमने आपकी इनकम मान ली है, और डिडक्शन तब देंगे जब आप ड्यू डेट तक उसको जमा करा देंगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी बता दिया था मैंने, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कवर्ड नहीं है सैलरी में, अगर वो कवर्ड नहीं है पेमेंट फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस में, तो हम यहां पर टैक्स कर देंगे। अब आया राजेश जी, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लांट प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब ये इनकम आएगी तो डिडक्शन भी तो मिलेगी ना सर, कौन सी डिडक्शन मिलेगी? नंबर 1 आपको रिपेयर की डिडक्शन मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से, और एनी अदर एक्सपेंडिचर विच हैव बीन इनकर्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग दैट इनकम। ये एनी अदर एक्सपेंडिचर का मतलब वही है जो सेक्शन 37 होता है, 37 में लिखा है ना, विच इज नॉट कवर्ड अंडर 32-36 विल बी अलाउड अंडर 37, यहां पर भी 57 में लिखा है एनी अदर एक्सपेंडिचर। सो मशीनरी फर्नीचर किराए पे दी, नंबर 1 आपको रिपेयर का खर्चा मिलेगा, नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा, नंबर 3 अगर एसेट ओन्ड है तो आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा एज पर ब्लॉक ऑफ एसेट, नंबर 4 कोई भी और एक्सपेंडिचर किया फॉर अर्निंग दैट इनकम, हम वो खर्चा आपको अलाउ करेंगे, वो खर्चा हम आपको अलाउ करेंगे फॉर अर्निंग दैट इनकम। ठीक है सर? ठीक है सर। सिमिलरली अगला है
income from letting out any machinery, furniture, plant along with the building, provided the rent received is a composite rent and it is inseparable. तो इस केस में क्योंकि आपको रिपेयर मिलना है, अगर आपकी बिल्डिंग ओन्ड है तो करंट रिपेयर मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगी, अगर बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है तो किराए आपको उसका रेंट भी मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो बिल्डिंग किराए पे ली तो उसका रेंट मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर के खर्चा मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड ऑल अदर एक्सपेंडिचर विच हैव बीन इनकर्ड इन अर्निंग दैट इनकम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. ये 57 में मैंने पढ़ा दिया और साथ में 56 करा दिया. ये क्लियर है सर. मैं डिविडेंड के बारे में कहना भूल गया राजेश जी. डिविडेंड के केस में कोई खर्चा नहीं मिलता, सिर्फ एक खर्चा मिलता है. मेरी गलती हो गई, वो प्रोविजो में लिखा हुआ है. वो कहता है कि अगर आपने मनी बोरो किया है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो शेयर को लेने के लिए खर्चा आपने किया है, हम वो इंटरेस्ट आपको अलाउ करेंगे मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड रिसीव. 20% इंटरेस्ट रेट नहीं, जगजीत जी बड़े खुश हो जाए कि 20% इंटरेस्ट मिल गया. जितना टोटल डिविडेंड मिला उसका 20% से ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो बाकी हम अलाउ नहीं करें. ओनली इंटरेस्ट डिडक्शन है डिविडेंड में और कोई डिडक्शन नहीं है डिविडेंड. ये क्लियर हो गई है, मुझे बताना चाहिए था, मेरे से गलती है, किसी ने सवाल पूछा नहीं, लेकिन ये प्रोविजो में ऑलरेडी दे रखा है. ये इसी साल आया, पिछले साल आया था कि डिविडेंड इनकम जब आएगी कोई खर्चा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकती है, वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड रिसीव. क्लियर सर. तो चलिए ये भी हमने कर दिया. अब आया सीधा भागते हैं अब तो 7B में, क्योंकि 5, 6, 7 तो खत्म हो गए, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसके बदले 10 आ गया है, 7A भी खत्म हो गया है. तो अब आइए 7B. सर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर इशू करती है. हम कहते हैं इफ देयर इज अ कंपनी व्हिच हैज इशूड शेयर, रिसीव्ड एनी कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर फ्रॉम ए रेजिडेंट, ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट इंटरेस्टेड, ओनली क्लोजली है. Company in which public are not interested has received any consideration for issue of share, ठीक है सर, from the resident, non-resident की बात नहीं कर रहा, from the resident, and that consideration price is more than the face value of the share. Consideration price face value से ज्यादा है. Then in that case, if the difference between the consideration price and the fair market value the share, if that consideration price exceeds the fair market value the share, such excess shall be taxable under the head income from other sources in the hands of the company. Kya main bol raha hu sir, sir jab dobara suniye, a closely held company mein share issue kiya aur consideration receive kar liya, pehli condition hai consideration face value se zyada honi chahiye. Matlab agar face value 10 rupaye hai Kohli sahab, तो 10 से ऊपर फेस वैल्यू से होनी चाहिए कंसीडरेशन. अब टैक्स क्या लगना है, अगर कंसीडरेशन प्राइस फेस वैल्यू से नहीं, एक्सीड्स द फेयर मार्केट, कंसीडरेशन प्राइस एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू, तो जितना डिफरेंस होगा कंसीडरेशन प्राइस और फेस बाय मार्केट वैल्यू से, उतनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. कंसीडरेशन प्राइस तो आपको मालूम है सर, इश्यू ऑफ शेयर की जो होगी, फेस वैल्यू भी मालूम है. अब सवाल आया, फेस वैल्यू से तो ऊपर कराई है, 10 का शेयर है 10 के ऊपर तो दिया है, 1 का शेयर है तो 1 के ऊपर तो दिया ही, क्लोजिंग हेल्ड कंपनी. लेकिन टैक्स किसने लगना है, डिफरेंस बिटवीन द कंसीडरेशन प्राइस एंड व्हाट, फेस वैल्यू नहीं, एंड द फेयर मार्केट. तो अब फेयर मार्केट वैल्यू को उन्होंने डिफाइन कर दिया वहीं पे, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी वैल्यू एज डिफाइंड as prescribed or the value which subject to the satisfaction of the AO, the value determined subject to the satisfaction of the AO by including the book value of the asset, including the intangible asset being patents, copyright, license, franchise or commercial right. Ek to kaha value as determined as prescribed, dusra value determined by you subject to the satisfaction of, उसमें आपने बुक वैल्यू लेनी है,
एसेट्स की और इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह की सबकी वो। अब सर हमें जाना है वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए सर हमने जाना है रूल 11UA सब रूल 2, ये 1 नहीं है, सब रूल 2। सब रूल 2 कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो कहता है A माइनस L इंटू पीवी डिवाइडेड बाई पीई, ये क्लॉज A में लिखा है। क्या लिखा सर? A माइनस L एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाई पीवी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई पीई टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये पहले समझ में आ गया, ये एसेट्स में लिखना है कि सारी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लेनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लेनी है, लेकिन रुकिए उसमें वो वाली नहीं लेनी जो एसेट फिक्टिशियस है, वो वाली लेनी जो एडवांस टैक्स और टीडीएस है, बाकी एसेट ले लीजिए, लाइबिलिटीज लेस कर दीजिए, लेकिन शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं होता। कहता शेयर कैपिटल नहीं लेना, रिजर्व्स नहीं लेने और इक्विटी शेयर नहीं लेने, वो नहीं लेने, मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाई टोटल पेड अप कैपिटल, या तो ये ले लीजिए या बी क्रॉस लिखा है सुनील जी डिस्काउंटेड वैल्यू से मर्चेंट बैंकर से उसका वैल्यूएशन करा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से मर्चेंट बैंकर उसकी वैल्यू निकाले। सो तीन वैल्यू हो गई सर, एक ए माइनस एल इंटू पीवी ओवर पीआई, दूसरी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तीसरी सुनील जी कौन सी वैल्यू डिटरमिन विच सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एओ विच इंक्लूड्स द बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट प्लस इंटेंजिबल एसेट। अब इनमें से जो हायर है वो मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, और आपने जितने का दिया माइनस फेयर मार्केट वैल्यू अगर डिफरेंस है तो उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? कंपनी देगी। हाँ अगर राजेश जी बोनस शेयर दिए तो उसमें तो कोई कंसिडरेशन आता ही नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो अलाउड है। अरे एक अब लोग शोर मचाएंगे, मेरी बात को मानना पड़ेगा, अगर राइट शेयर दिए क्लोजली हेल्ड कंपनी में मैं तब भी मान जाऊंगा जब पैरी पैसे दिए बराबर सबको दिए और कोई राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है। राइट ऑफ रिनंसिएशन किया तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो नहीं। पैरी पैसों का मतलब बराबर बराबर सबको राइट शेयर दे दिए, चाहे कम प्राइस पे दिए या ज्यादा पे दिए, लेकिन पैरी पैसो और कोई भी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं करेगा तो भी हम इसको एग्जेम्पशन में ले लेंगे। अब बाकी तो वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड ने खरीदे वो तो अलग है ना, वो एक्सेप्शन में है कि अगर वो शेयर वेंचर कैपिटल फंड वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने खरीदे या स्टार्टअप के हैं तो वो तो छोड़िए ना, वो तो स्टार्टअप के केस में भी वो कह रहा है कि वो इश्यू शेयर हायर राइट पे हो सकते हैं, वो तो कंडीशन है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, या शेयर मैंने जो वेंचर कैपिटल कंपनी या अंडरटेकिंग दिया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जो शेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी देती है। तो ध्यान रखिए राजेश जी, सब प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, एक रुपए का हमारे यहाँ तो कलकत्ते में 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए पे बेचते थे, वाह कमाल था, नई कंपनी का शेयर 10 रुपए वाला 1000, 990 रुपए प्रीमियम पैदा होते ही कंपनी का हो जाता। अब बताओ क्या करो, 990 प्रीमियम में वो दोगे तो लगाइए टैक्स दे दीजिए 5627B, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए आया है, ये मैंने आपको बता दिया। वैल्यू करने के तीन तरीके बता दिए, वो आपको पता है, बाकी मैंने ये कह दिया कि इसके ऊपर करोगे तो आपको टैक्स लग जाएगा 567B में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। संजय जी समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं कर रहा, आइए आगे बढ़ते हैं। 7B के बाद 8 नंबर मैंने आपको बोला था, दोबारा कर देता हूं, कंपनसेशन मिला इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और अनाउंस्ड कंपनसेशन मिला। अब 145B कहता है ये रिसीट बेसिस पे टैक्स है, तो आप इसको यहां पर ले आइए, लेकिन राजेश जी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नो, 57 सेक्शन क्लॉज IV कहता है इसका 50% आपको डिडक्शन हम दे देंगे, तो सिर्फ 50% पे टैक्स लगेगा। सेक्शन 50C 57 IV कहता है हम आपको ये देंगे, तो ये समझ में आ गया।
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और अनाउंस्ड कंपनसेशन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे फिर मैं बता चुका हूं और वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IX क्या था, एनी एडवांस और मनी, एनी सम रिसीव एज एडवांस और अदरवाइज फॉर नेगोशिएशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट व्हिच वेयर इट इज फॉरफिटेड एंड नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इनटू द ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट। तो सारा अमाउंट जितना भी आपने फॉरफिट किया वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, ये तो अधिकतर फॉरफिट हुआ करता था 14 से पहले, सारे ही पैसा एडवांस देते थे और फॉरफिट कर दिया जाता था। फिर हम ITAT के पास जाते थे और मैं रानू जी मैडम के पास भी जाएं तो हम कहते थे सर ये तो 51 सेक्शन में ये तो कॉस्ट से लेस होना है और वो जब मैं बेचूंगा तब होगा ना, और 6 साल बाद किसको याद है कि कॉस्ट से लेस करना है कि नहीं करना, वो तो भूल जाते थे और फिर वो एडवांस भी लेस नहीं होता। मेरी बात को समझ गए, वो कॉस्ट से लेस होता था, 51 सेक्शन था इसके लिए एक्सक्लूसिव कि भाई वो मार्केट उसे कॉस्ट से लेस कर दी। अरे करता है कौन था कॉस्ट से लेस, अगर उसमें लिखा था मार्केट वैल्यू 81 से लेनी है तो उससे लेस कर दीजिए। हम लोग करते क्या थे, 6 साल एडवांस लेके फॉरफिट, ये सब प्लानिंग हुआ करती थी सर, हमेशा ही एडवांस फॉरफिट होता था, पता नहीं ये मेरे समझ में नहीं आता, कितने शरीफ आदमी थे अपना एडवांस छोड़कर भाग जाते, एडवांस देते थे और भाग जाते। और सुनील जी कहते थे थैंक यू वेरी मच हमारी ये इनकम है, ये तो टैक्स लगना ही लगना नहीं है, और क्या करेंगे जब बेचेंगे एसेट को तब देखेंगे यार अभी क्या है, जब बेचेंगे तो कॉस्ट लेस करेंगे, अभी किसको लेना देना है। अब ऐसा नहीं है, जिस साल एडवांस फॉरफिट कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम टैक्स बार बार लूप होल ढूंढकर पकड़ता है। आप कह देंगे तो आपने कराया, भाई सब मैंने नहीं कराया, ये तो उधर तब बहुत पुराना हो चुका है, मैंने नहीं कराया। तो आइए अब 56-10 में आ जाए, जिसका राजेश ने स्पेशल लिखा है, क्या लिखा है तो आइए अब उसके बारे में बात करें। सर 10 से पहले जितने क्वेश्चन ले लो ना, फिर 10 का इकट्ठा ले लेंगे। सर क्वेश्चन है काफी, लेकिन ये कवर करा दो ना, उसमें ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें। मैं तो करा दूंगा सर, लिखो सर सुनो फिर। हाँ। मेरी रेपुटेशन खराब होती है कि वो जवाब नहीं देते, हर सोचल का जवाब उसी वक्त दे दूंगा। चलिए आगे लिखिए, सेक्शन 56-210 क्या कहते हैं, वेयर ए पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन, प्लीज नोट द वर्ड ए पर्सन रिसीव, पहले लिखा था वेयर एन इंडिविजुअल रिसीव, अब क्या लिखा है वेयर ए पर्सन रिसीव, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF फर्म कंपनी AOP BOI उसको नहीं लूंगा, लोकल अथॉरिटी वो क्या रिसीव करेगा, और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ही रिसीव्स दैट पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्संस ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000, ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन, द होल ऑफ द अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सर 51,000 रुपए भी ले लेंगे तो 51 टैक्स, 50 तक है तो कोई टैक्स नहीं होगा, वेदर रिसीट फॉर 1% और मोर देन 1%, सब मनी 50,000, सबसे ज्यादा तो बर्थडे गिफ्ट मिलती है, मैरिज गिफ्ट मिलती है या गिफ्टें मिलती हैं, तो अब जो गिफ्टें मिलेंगी वो 50,000 से ऊपर एग्रीगेट है, वेदर फ्रॉम 1% और मोर देन 1% वो पूरी टैक्सेबल होगी। हाँ कुछ एग्जेम्पशन है वो मैं एक्सप्लेनेशन में दोबारा आऊंगा, वो बाद में बताता हूं। अब क्लॉज भी कहता है वेयर ए पर्सन, मैं इसको अलग अलग पढ़ के बोल रहा हूं, वेयर ए पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन फॉर हुज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू is more than 50,000. The whole of the stamp duty value shall be treated as taxable under the head income from other sources in the hands of the recipient. Ye clause B ka A, I hai.
आई, क्रॉसबी का आई है, विदाउट कंसिडरेशन राजेश जी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई तो वो हम अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर देंगे होल स्टैंप। और टू आई कहता है वेयर यू हैव रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द कंसिडरेशन प्राइस। लेकिन कितना डिफरेंस अलाउ करेंगे सेफ हार्बर कंसीडरेशन प्राइस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन में 50,000 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई बात, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन प्राइस में 10% का डिफरेंस नहीं है तो कोई बात, 10% तक अलाउ कर दिया सेफ हार्बर रूल में, कितना अलाउ कर दिया 10%, किसी जमाने में 5 था अब 10 कर दिया। रुकिए रुकिए, कोई कहेगा 20 भी है, मैं कहूंगा इंतजार कर ले यार 20 का ऐसे मत हो। कहता स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस माइनस कंसीडरेशन प्राइस प्लस 10% दे रहा हूं। एक एग्जांपल लेता हूं फिर बाद में बताता हूं। सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, आपने 90 लाख का खरीदा, 10% ऐड कर दीजिए 99 लाख है, 90 प्लस 9 तो इस केस में हम 1 करोड़ रुपया कंसीडरेशन प्राइस ले और 1 करोड़ में से 90 लेस करके 10 लाख रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया? अगर आपने 91 लाख का खरीद लिया होता तो 10% ऐड कर दीजिए 91 प्लस 10% 9.1, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड कंसीडरेशन प्राइस पर 10% पे रहो तो इस केस में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे 91 को मान। दिमाग तो अपना लगाना, समझ में आ गया? सेफ हार्बर रूल कितने है 10% किसमें ऐड करना है एक्चुअल कंसीडरेशन प्राइस में, स्टैंप ड्यूटी में नहीं, स्टैंप ड्यूटी माइनस कंसीडरेशन प्राइस प्लस 10%। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो फिर तो हम स्टैंप ड्यूटी माइनस कंसीडरेशन लेकर लगा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं। अब एक और सवाल उसमें प्रोविजो लिखा हुआ है कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर में डिफरेंस है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर में डिफरेंस है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे ना कि डेट ऑफ ट्रांसफर। कौन सी लेंगे राजेश जी? डेट ऑफ एग्रीमेंट। आपने साल भर पहले एग्रीमेंट कर लिया तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो लेंगे। लेकिन रुकिए, उसमें फर्दर प्रोविजो लिखा है कि तब ये मानेंगे इस प्रोविजो को अगर आपने कुछ एडवांस लिया बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ट्रांसफर और आरटीजीएस आईटीजीएस और एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ दैट एग्रीमेंट, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट वेदर पार्ट और फुल। अगर आपको जो एडवांस मिला वो मिलना चाहिए, सपोज आपने एग्रीमेंट किया 2 करोड़ का राजेश जी, उस वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ थी, 2 करोड़ का एग्रीमेंट कर लिया, हम उसको मान लेंगे 2 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। लेकिन रुकिए, आज उसकी 3 करोड़ है, मैं 2 मान लूंगा, लेकिन रुकिए, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया या तो उस दिन या उससे पहले आपने एडवांस दिया था बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और बाय एनी अदर बैंक ट्रांसफर, वो अगर आप करेंगे तो मानेंगे, क्योंकि हमने पहले लिख दिया था एनी अदर देन मनी तो लोगों ने किन्नी देकर भी काम करा लिया, तो वो अब कह दिया अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी बैंक ट्रांसफर, उसमें आपने कब देना है एडवांस? ऑन और बिफोर, आफ्टर नहीं, ऑन, मनी में नहीं होगा, ऑन और बिफोर अगर दिया तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट मान देंगे, ये भी कह। उसके बाद फर्दर प्रोविजो डाला प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कि देखिए अगर आपको लगता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो आप अगर 50C2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो एओ को लिख दीजिए कि इसको रेफर कर दे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। ये पावर सिर्फ वेंडर की नहीं है, वेंडी भी कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कि रेफर कर दो सर ये ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मैं क्यों ठीक है सर। अब एक और चीज था कि अगर आपने एक बिल्डर से खरीदा है और वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है
और वो 12 मई से लेकर 30 जून 2021 के अंदर खरीदेंगे, उसकी 2 करोड़ से ऊपर नहीं ट्रांसफर, उस केस में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है तो हम सेफ हार्बर रूल में 20% देंगे 10% के। कौन सा? आपने फर्स्ट टाइम बिल्डर ने फर्स्ट टाइम बेचा है, फर्स्ट टाइम दे, ये सेकंड सेल नहीं है, फर्स्ट सेल है। और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उसकी कंसीडरेशन प्राइस 2 करोड़ से ऊपर नहीं, तो उस केस में हम 20% का मार्जिन दे देंगे, लेकिन ये 30 जून तक है, 30 जून के बाद नहीं। ये नवंबर से शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 नवंबर से और 30 जून तक गया, डेट देख लीजिए, 12 नवंबर था 2020 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो देखते रहते हैं जगजीत जी नीचे एक्ट की तरफ, तो जरा देख के बता दो सर, ये प्रोवाइडेड ऑल्सो है, चौथा वाला प्रोवाइजो, डेट बता दो, डेट वानी मिलेगी जगजीत जी, वानी मिलेगी जगजीत जी, 56 में 43CA में जाइए, वहां डेट मिलेगी, वहां लिखा है एज रेफर टू अंडर सेक्शन 43CA, तो 43CA में डेट देख लीजिए कि क्या डेट है। मेरे ख्याल 12 नवंबर से लेकर 30 जून 2021 है, 12 नवंबर 2020, वहां 20% सेफ हार्बर रूल, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और 2 करोड़ से ऊपर नहीं है सर, ये डेट बता दीजिए, बाकी मुझे कोई देना देना। तो मैं चेक कर रहा हूँ, विदाउट एक्ट के बैठा हूँ मैं, बस है जी, विदाउट एक्ट के बैठा था, एक्चुअली वर्किंग नोट पे लिख रहा था सर, दिस इज 12th डे ऑफ नवंबर 2020 एंड एंडिंग ऑन 30th ऑफ जून, तो ठीक है सर, तो ठीक ही हूँ सर, मैंने 12 नवंबर ही बोला गलती से, पहले मैं किया था 12 नवंबर 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक, 2 करोड़ से ऊपर नहीं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, ये कंडीशन कर दीजिए, हम आपको 20% का सेफ हार्बर देंगे। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। वेयर ए पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन हुज फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000 इन एग्रीगेट द होल ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। और फिर क्लॉज 2I में लिखा है, ही रिसीव्स ए मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन and the difference between the fair market value and the value at which it is given to you exceeds 50,000, then the whole of the amount shall be taken as income from other sources. Ye clear ho gaya? To mujhe ab aana hai, immovable property aur movable property ki kya hai? Wahan par unhone explanation mein de diya, property means any capital asset, number one, being immovable property, number two, shares and securities, number three, jewelry, or number four, any क्या कहते हैं क्या यार क्या क्या वो archaeological collections, drawings, paintings, sculpture, work of art or any bullion, ये movable asset में लिया। लेकिन problem क्या है, इन्होंने लिख दिया property means any capital asset being immovable property। यहां एक डिस्प्यूट चला आ रहा है, जब आपने सेक्शन 56210 की क्लॉज बी में लिखा एनी इमोबल प्रॉपर्टी, वहां पर नहीं लिखा कि एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल है तो वो इमोबल प्रॉपर्टी तो होती है ना सर, लेकिन यहां पर आके 56210 में लिख दिया प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी कैपिटल एसेट बीइंग इमोबल प्रॉपर्टी। अब कैपिटल एसेट तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती नहीं है। अब प्रॉब्लम आ रही है, 56210 भी देखें कि 56210 की एक्सप्लेनेशन देखें, ये ग्रे एरिया। मेरी सुनील जी समझ गए बात क्या कहना चाहता हूं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में 56210 लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप 56210 क्लॉज बी देखेंगे तो लगता है कि लगेगा, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन में आएंगे और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो लगता है नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये डाउट अब है कि आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का है या गिफ्ट का है, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर आप रिलेटिव से कोई गिफ्ट लेंगे या रिलेटिव से इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का होगा तो सेक्शन 56210 नहीं लगेगा, चाहे वो मनी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, रिलेटिव से लेंगे, रिलेटिव को डिफाइन करूं, लेकिन ये सेक्शन कहता है रिलेटिव से लेंगे तो नहीं लगेगा। नंबर टू, अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला
या डेथ मिला तो भी नहीं लगेगा, अगर विल से मिला तो भी नहीं लगेगा, विल से मिला तो, और कंटेप्ट गिफ्ट इन कंटेम्परेशन ऑफ डेथ है तो भी नहीं मिलेगा। ये क्या चीज है सर? पहले तो रिलेटिव को मिला, रिलेटिव को मिला वो ठीक हो गया, फिर मैंने एक रह गया मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल पे मिला, आपको गिफ्ट मिला एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, क्या वो भी जो मिला गिफ्ट मिला चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी का चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का या मनी का, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज किसकी? इंडिविजुअल। और किसको मिलनी चाहिए गिफ्ट सुनील जी? या ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को, ब्राइड ग्रूम के फादर को नहीं या मदर को नहीं, पेरेंट्स को नहीं, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम को मिले वो वाली गिफ्ट मांग है, जो पेरेंट्स ने ली और पेरेंट कहते हैं ब्राइड के अकाउंट में जमा करा दी, उनको मिलनी चाहिए ब्राइड ब्राइड ग्रूम को, उनकी लिस्ट बनाइए, ब्राइड की लिस्ट बनाइए, ब्राइड ग्रूम की बनाइए, उनके अकाउंट में डिपॉजिट कराइए। कोई कहता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ले लूं, अरे भैया शादी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की नहीं हुई है, शादी तो इंडिविजुअल की हुई है, जो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो बाद में बनेगी शादी के बाद, पहले थोड़ी हो गई, और एट द टाइम ऑफ मैरिज तो इंडिविजुअल है ना वो, चाहे ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। फिर कोई पूछता है सर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज का क्या मतलब है? शादी वाले दिन ही या शादी से एक दो दिन पहले या शादी के एक दो दिन पहले बाद? जब गिफ्ट टैक्स आया था वो लिखता था ऑन और अबाउट द मैरिज, वो क्यों कहा गया? सर जो ऐसा होता है, जो कई रिश्तेदार होते हैं ना वो पहले ही शादी के पहले ही दे जाते हैं, आते हैं घर पे कोई चीज देनी है ज्यादा, कोई ज्वेलरी देनी है, कोई ज्यादा चीज देनी है या सामान देना है तो शादी के एक दो दिन पहले देते हैं कि संभाल लो भैया, नहीं तो वहां पर पता ही नहीं लगेगा, और दिखाना भी तो है मैंने दी है, मैंने दी है, ये देख लो ये चीज दी है, तो शादी के एक दो दिन पहले आते हैं, चाय पानी पीते हैं और आके गिफ्ट देके जाते हैं, ये लो जो आपकी गिफ्ट है। एक तो ये होता है, एक ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज होता है, और एक कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं रिश्तेदार बड़े क्लोज, वो देखते हैं कि यार रुक जाओ, क्यों रुको? कि यार देखे तो सही कि मुझे मिलेगा क्या शादी के टाइम पे, मैं तो बेटे का चाचा हूं, बेटे का मामी हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? उसी के हिसाब से तो तोलूंगा, उसी के हिसाब से तो तोलूंगा कि क्या देना है, तो इसलिए वो इंतजार करते रहते, तो शादी के बाद देते कि क्या मिला, सूट मिला, साड़ी मिली या क्या मिला, उसके हिसाब से तोलते। और फिर सर जगजीत जी, सारे आदमी जब गिफ्ट देने जाते हैं ना मैरिज पे, तो अपनी पुरानी डायरी खोलते कि मेरे बेटे की शादी में क्या दे गया था, ये सारे डायरी खोलते, सारे खोलते, और फिर क्या करते हैं, अरे 10 साल पहले हुई थी वो क्या 2100 रुपए दे गया था, चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लगाकर 5100 दे दो, महंगाई हो गई है। ये करते हैं, नहीं करते सब, सब करते हैं, सब अपनी डायरी खोलते हैं और डायरी खोल के देखते हैं मेरे बेटे की शादी में क्या दे गया और मेरी बेटी की शादी में क्या दे गया, और फिर सोचते भी यार उस वक्त जमाना सस्ता था, अब तो थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए, तो इंडेक्स नंबर लगा के फिर देते हैं। तो ये सब चीजें जो गिफ्ट है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, वो ब्राइड या ब्राइड ग्रूम की होगी, और वो एक आध दिन पहले भी हो सकती है और एक आध दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन जो आपने गिफ्ट ली सगन के टाइम पे वो नहीं। हाँ सगन ही एक दिन पहले करो तो कहोगे मैरिज में मिली सगन में काम, मैरिज में मिली, आज का सगन एक दिन पहले ही करते हैं, मैरिज में मिली सगन वगन में कोई नहीं है, सब कुछ मैरिज में मिला। और फिर तो लोग ऐसे भी तो हैं, आती 2100 गिफ्ट है लिस्ट बनाते 21000 रुपए दिए, 3100 आए तो 31000 रुपए मिले, 5100 आए तो 51000 मिले, और 1100 आए तो 11000 मिले, और बैंक में जमा करा देते। मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत मजाक हंस खेल लेना चाहिए, बहुत थक चुके हैं इस सेक्शन में आने के बाद, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, तो ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज भी गिफ्ट माफ है, ठीक है सर? रिलेटिव से गिफ्ट माफ है, वो रिलेटिव की डेफिनेशन बाद में, विल से गिफ्ट माफ, इनहेरिटेंस से गिफ्ट माफ, लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिली तो भी माफ। अगर एक सेक्शन 1023C का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई अमाउंट आपको उनसे मिला तो वो भी माफ, वो गिफ्ट करें। अगर लोकल तो वो कौन वाले हैं 1023C वाले इंस्टीट्यूशन, वो अगर देते हैं
तो वो वाला अमाउंट माफ है। मैं क्यों बोलूंगा, अभी कोविड के टाइम पे कुछ बातें और भी बोलूंगी। फिर उसके बाद अगर ट्रस्ट है और वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो जो गिफ्ट ट्रस्ट लेगा या जो गिफ्ट ट्रस्ट देगा वो भी एग्जेम्प्ट। गिफ्ट रिसीव्ड बाय और गिवन बाय ए ट्रस्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रिसीपिएंट। मतलब अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो जो गिफ्ट ट्रस्ट को आई वो माफ है, अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और जो गिफ्ट उसने दी वो भी माफ है। और सुन लीजिए, जो गिफ्ट आती डोनेशन आती है 1023C IVVVIVIA वो भी माफ है। लेने में लिए माफ है, देने के लिए तो दे सकते। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, अभी अभी राजेश जी कईयों ने कई एसोसिएशन बनाई और कोविड के टाइम पर लोगों को हेल्प करी, उनकी मैरिज का उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट किया, भगवान ना करे डेथ हो गई तो उनको पैसे। उस वक्त ये लॉ नहीं आया था जो अब आ चुका है, पहले तो आया नहीं था। तो मैंने उनको कहा था भैया सुन लो, मत देना, या तो आप इसको सोसाइटी रजिस्टर्ड करा के आप क्या करें, रजिस्टर्ड हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 12A या 12AB, तब तो आप देंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो माफ है। चाहे वो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको गिफ्ट दे या डेथ के बाद दे, लेकिन आनी कहां से चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रस्ट। और कईयों ने करा ली, सोसाइटी के लिए अप्लाई कर दिया और उनको प्रोविजनल मिल गया, करा। नहीं तो गलत था, आज नहीं है, आज गलत नहीं है, अब तो लॉ बदल गया, मैं क्या करूं, उस वक्त तो था ना जी अजरजेश जी, मैं तो अब तो उन्होंने कह दिया ना, अब तो आ गया कि अगर एम्प्लॉयर अब मेडिकल ट्रीटमेंट करता है तो माफ है, और एम्प्लॉयर डेथ के बाद अगर पैसे देता है उसके लीगल हेयर को तो माफ है, और अदर एनी अदर पर्सन है मेडिकल ट्रीटमेंट करता है तो माफ है, अगर डेथ में देता है तो 10 लाख तक माफ। ये तो अब आया ना सर, पहले तो नहीं था, अगर पहले करते और जब अगर अब तो वो कर दिया ना उन्होंने, अदरवाइज तो मैं सबको कहता था फंस जाओगे, ये रोजाना एसोसिएशन खोलकर ऐसे ऐसे खर्चा किए जा रहे हो फंस जाओगे, लेकिन अब आ गया है इसलिए तसल्ली है। अब आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एनी अदर पर्सन में आ जाए। ये क्लियर हुआ सर रजेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब तो लॉ आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 10 लाख तक एनी अदर पर्सन दे सकता है, एम्प्लॉयर तो पूरा भी दे सकता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं कोविड का, ये सारा कोविड की वजह से है और कोई वजह से नहीं है। सर्टिफिकेट लेना कोविड डेथ का, तभी 10 लाख माफ है, अगर डेथ किसी और कारण से हुई तो माफ नहीं होगा, क्योंकि कईयों ने सर्टिफिकेट बैंक उसने दे देना है कि कोविड तो ये ठीक हो गया, आया था एडमिट हो गया, कोविड ठीक हो गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। अरे भैया लिखो कोविड की वजह से डेथ हुई, नहीं तो वो कह देंगे कोविड की तो खत्म हो गया, तो वो तो डेथ हो गई, तो हम तो कोविड की वजह से कह। सो दैट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट दिस डेथ हैज टेकन प्लेस इवन इफ आफ्टर दैट कोविड वाज रिकवरी हुआ, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोविड, तो हम 10 लाख रुपए माफ करते। क्लियर है सर? और जो खर्चा किया वो तो है ही एग्जेम्प्ट, वो तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं। आइए फिर रिलेटिव की डेफिनेशन दें, क्योंकि राधे राधे जी रिलेटिव की डेफिनेशन में बहुत इंटरेस्टेड है कि गिफ्ट कहां से मिल जाए। वैसे तो राजेश जी कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता, कोई नहीं देता, भाई भाई को नहीं देता, ये तो सब बेकार की बातें। गिफ्ट देंगे, अरे माँ बाप देते हैं क्योंकि उनके बच्चे को सेट करना है तो वो अपने बाप गिफ्ट करेंगे, उनको करना भी चाहिए। यहाँ एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट प्राणी है, कौन, बेटी का बाप जिसको गिफ्ट देनी पड़ती है, बाकी कौन देता है, बेटी के बाप को भी देनी पड़ती है और बाकी माँ बाप देते हैं, बाकी कोई गिफ्ट नहीं देता। पर लेकिन यार यहाँ तो रामलाल सुलेमान को गिफ्ट देता है, कितना नेशनल इंटीग्रेशन है हमारी कंट्री में, रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है, सलमा भी कृष्ण कुमार को गिफ्ट दे। सर ऐसा कभी देखा, ऐसा तो हमने देखा नहीं था, इतना प्यार मोहब्बत इस कंट्री में हो। तो उन्होंने कह दिया रुको, रिलेटिव की डेफिनेशन में लेना, बाकी का नहीं है मैं मानूंगा। हाँ अगर बाकी भी तो 2.5 लाख हो जाए तो क्या दिक्कत है सर, 2.5 लाख तक तो टोटल अगर इनकम है तो माफ है ना, लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए प्लीज, चाहे रिलेटिव से गिफ्ट आए जेन्युइन होनी चाहिए। अगर गिफ्ट जेन्युइन नहीं हुई तो 78% टैक्स लगेगा, और गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब वो समझ गए ना मेरा, बाकी ना बताऊं,
gift should be genuine. Source of gift should be genuine. मान लिया सर, अब relative की definition दे दिए. मैं gift ले सकता हूं. मैं कौन हूं recipient of gift? Individual. I am an individual. दो है जो relative, एक तो individual के relative होता है, एक अलग HUF अलग लिखा हुआ है. पहले मैं लिखा हूं, I am an individual. I can take gift from the spouse of the individual. मैं अपने स्पाउस से गिफ्ट ले सकता हूँ. स्पाउस से गिफ्ट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्लबिंग हो जाती है, सबको पता है. और स्पाउस को गिफ्ट दे दी, वो वापस कभी करेगी नहीं. वो तो एक बार गई तो उसी की हो गई. और टैक्स आप देते रहो, टैक्स तो आप ही दोगे, पैसा उसका हो जाएगा. तो स्पाउस शब्द ले, पैसा तो मजाक से कर रहा हूं, लेकिन स्पाउस अब इंडिविजुअल से नॉर्मली लेते नहीं है. लेकिन लेनी भी हो तो हम कहते हैं ले लो, लेकिन उस पैसे को जमा कराओ जहां पर टैक्स फ्री इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम हो. बॉन्ड खरीद लो जो टैक्स फ्री हो. तो इनकम क्लब क्या होगी? क्लब होगी नहीं, क्लबिंग होगी नहीं, क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है. और उसके बाद जो इनकम से इनकम आएगी वो क्लब होती नहीं. इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब, इट इज ओनली इनकम विच इज क्लब. तो हम तो करते हैं. मैंने भी अपनी स्पाउस को 1 करोड़ रुपया दे दिया था, बड़ी खुश हूं, अरे 1 करोड़ मिल गया. उसी दिन मैंने उसके बॉन्ड ले दिए. तो ये क्या है? मैं कहा बॉन्ड ही तो लिए, तेरे ही तो आ रहा है इंटरेस्ट. चलो ठीक है, 5.5% पता नहीं कितना इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट तो माफ था. तो मुझे क्या है, आ गया तो ले ले भाई, तेरे ही है तो ले ले. लेकिन जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आया वो तो मेरे हाथ में क्लब नहीं हुआ ना, वो क्लब नहीं हुआ. ये ध्यान रखिए. तो मैं स्पाउस से ले सकता हूं. अब किससे ले सकता हूं? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ दिस इंडिविजुअल. मैं अपने भाई से और अपनी बहन से भी ले सकता हूं. ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ दिस इंडिविजुअल. नीचे आएगा, नीचे आएगा, सबसे नीचे स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द अबव एक्सेप्ट द फर्स्ट. फर्स्ट का तो स्पाउस मैं ही हूं, फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए. मैं अपने ब्रदर से ले सकता हूं, मैं अपनी ब्रदर की वाइफ से भी ले सकता हूं. ब्रदर की वाइफ कहां लिखा है? वो नीचे लिखा हुआ है, 5वीं नंबर आइटम में, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द अबव इंडिविजुअल. तो मैं अपने ब्रदर की वाइफ से ले सकता हूं, मैं अपने सिस्टर से ले सकता हूं, मैं सिस्टर के हस्बैंड से ले सकता हूं. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. मैं अपनी साली से ले सकता हूं, मैं अपने साले से ले सकता हूं, साली के हस्बैंड से ले सकता हूं, और साले की वाइफ से भी ले सकता हूं. मैंने क्या बोला? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल मैं ले सकता हूं. नेक्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. सॉरी सर, इसमें मैं अपनी नंद और अपने देवर से भी ले सकती हूँ. हाँ जी, नंद तो हो गई ना, वो आ रहा हूं ना मैं. ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. नंदन तो हो ही गई. देखिए मैम, ऑलरेडी कह दिया ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, और उनकी उनकी बीवियों से भी ले सकता हूँ. सर आप भूल गए थे ना वो लेडीज का. वो तो मैंने बोल दिया, बीवियों से तो ले ही सकते हैं, उनके उनके स्पाउसेस से ले सकते हैं. मैं अपनी साले से ले सकता हूँ, साले के बीवी से ले सकता हूँ. मैं अपनी अपनी बहन से ले सकता हूँ, बहन के हस्बैंड से ले सकता हूँ. मैं अपने जीजा से ले सकता हूँ, सबसे ले सकता हूँ. ननन से क्यों नहीं ले सकते? अरे ये तो बैठे हुए बाबा, ये तो दरानी जठानी में गिफ्ट ले रहे राजेश अग्रवाल जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. देखिए पेरेंट्स में मेरा फादर भी है, मेरी मदर भी है. तो मैं अपने चाचा से भी गिफ्ट ले सकता हूँ, ताए से भी ले सकता हूँ, चाची से भी ले सकता हूँ, ताई से भी ले सकता हूँ. मैं अपनी बुआ से भी ले सकता हूँ, फूफड़ से भी ले सकता हूँ. मैं अपने मामा से भी ले सकता हूँ, अपनी मामी से भी ले सकता हूँ. मैं अपनी मासी से भी ले सकता हूँ, मासी के हस्बैंड से भी ले सकता हूँ. मैंने अब तो गलती कोई नहीं करी, अब तो सारे रिश्ते गिरा दिए, मैंने. चलिए उनसे भी ले सकता हूँ. अब आया लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल. मैं अपने पेरेंट्स से भी ले सकता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स से भी ले सकता हूँ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से भी ले सकता हूँ, चिल्ड्रन से भी ले सकता हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन से भी ले सकता हूँ, उनसे भी ले सकता हूँ. और आगे क्या लिखा है? लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. तो मैं अपने ससुर से भी ले सकता हूँ, उससे भी ले सकता हूँ.
अपनी सास से भी ले सकता हूं, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा जयेश जी, लीनियर डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, बीवी के बच्चे अलग होंगे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, ये कहां से लाओ क्या? क्योंकि लिखा मेरे बच्चे तो मेरी बीवी के बच्चे भी तो है, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है लीनियर डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल? ये तभी है जब बीवी लेकर आई होगी बच्चे, कोई और भी तो उनसे भी ले सकता हूं। मेरी बात को समझे, तेरे बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, उनसे भी ले सकता हूं। और लास्ट में लिखा स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द अबव इंडिविजुअल एक्सेप्ट वन। तो समझ में आ गया रिलेटिव की डेफिनेशन, क्लियर हो गया सर? नाना और नानी सर, ये बात मैंने शुरू करी थी, मैं ही खत्म करता हूं। नाना नानी सिर्फ हिंदुओं के होते हैं क्या? मुसलमानों के नहीं होते, चाहे क्रिश्चियन के नहीं होते या उनके नहीं होते? तो ये कैसे किसी ने कह दिया हिंदू लॉ में लिखा है कि मेल लीनियस देखना है? मेल लीनियस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले अपनी बेटी को गिफ्ट दी थी, बेटी ने अपने बच्चे को दी थी, अब मैं कहा ऐसी की तैसी, मैं सीधा दूंगा नाता नाती को, कौन रोक सकता है? क्योंकि अगर मुस्लिम देख सकता है तो क्रिश्चियन दे सकता है, तो हिंदू लॉ में कहां लिखा है? ये सब कह दिया कि मदर की साइड नहीं देखनी, पेरेंट की नहीं देखनी, नाना नहीं देख सकता। तो आप क्लियर कर दिया, आप चिंता नहीं करिए, मैं बैठा हूं अलग, क्योंकि मैंने दे दी तो बाकी का खत्म। तो चलिए, ये 56.210 में मैंने रिलेटिव की डेफिनेशन दे दी, मैंने 56 में ये भी, मैंने ये नहीं बताया इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ क्या होता है, आप वो भी ले सकते हैं, वो माफ है सर। क्या होता है, सपोज कीजिए एक आदमी फौज में लड़ने जा रहा है, एनिमी एक्शन में जा रहा है, वो कहता है ये मेरा सामान है, ये मैं तेरे को दे जा रहा हूं, अगर तो मैं वापस आ गया तो ये गिफ्ट कैंसिल, अगर नहीं आया इन कंटेम्परेशन ऑफ डेथ तो मैं तेरी ये मानी जाएगी। वो कहता ना ही आया तो अच्छा है, तो बात दूसरी हो गई। और कई बार मैं हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहा हूं और हार्ट का ऑपरेशन कराने में मुझे नहीं पता वापस आऊंगा कि नहीं आएगा, मैंने वो एक पैसे इसको पकड़ा, इसको दे कि मैं वापस आ गया तो गिफ्ट कैंसिल, वापस नहीं आया तो इन कंटेम्परेशन ऑफ डेथ है तो फिर तेरी हो, तो वो कंडीशनल है लेकिन वो भी अलग हो। बात समझिए, मैं तो मजाक में कह रहा हूं, इन कंटेम्परेशन ऑफ डेथ भी ये गिफ्ट कवर्ड नहीं। तो ये है सर सारे प्रपोजल, मैंने 56.210 भी कर दिया, अब आपके क्वेश्चन जितने ले लो। सर 79 क्वेश्चन है सर, लीजिए ना सर, कौन मना करता है? मैं सर, तो मना नहीं करता, 624 लोग भी तो बैठे हुए हैं, तो 79 624 वाले दे रहे हैं तो 15% भी नहीं हुए सर। सर सर सर, इसमें मैं बड़े क्वेश्चन छोड़ दूंगा, जो गुरुजी का नंबर दे दूंगा वो डायरेक्ट बात करके उनसे कर लेंगे। सर पहला क्वेश्चन, एक सेकंड सर, मेरा ओके सर, थैंक यू। अब पूछिए। हाँ सर, अशोक कुमार सिंह सिंगला जी हैं बरनाला से, वेदर ए कंपनी कैन वैलिडली गिव एंड एक्सेप्ट गिफ्ट। देखिए कंपनी लॉ की बातें अलग करिए, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वेदर ए कंपनी कैन वैलिडली गिव एंड एक्सेप्ट गिफ्ट। कंपनी कैन एक्सेप्ट गिफ्ट, मैंने एक बताया, हाँ इनकम टैक्स कहता है कि कंपनी मिलेगी तो हमें क्या दिक्कत है, कंपनी लॉ के अंदर है कि कंपनी गिफ्ट दे सकती है नहीं दे सकती, कंपनी रिसीव तो कर सकती है, वो उनके ऑब्जेक्टिव और मेमोरेंडम में देखते हैं तो वो देखा जाता है, उसकी बात करिए, लेकिन इनकम टैक्स को क्या लेना देना, आइए आगे, वो तो एनी पर्सन लिखा है। जी जी सर, क्लबिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ए माइनर फ्रॉम नॉन रिलेटिव वेदर रिलीफ ऑफ सेक्शन 1032 विल बी कंसीडर्ड सपोज। अरे सर 1500 रुपए का फायदा हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है 1500 रुपए के लिए आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? और भाई एक तो 1500 रुपए का अलाउड है ना इनकम, अगर आपका माइनर की इनकम क्लब होती है तो 1500 की रक्षा मिल जाएगी, जरूर देंगे सर, आप जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, वेदर एनी अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट अर्न being shown as income other sources if turned bad and therefore written off as bad debt can be set up
either from income from other sources or from business head. सर एक बात बताइए, आपने लोन का बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा बैड डेट, और बैड डेट तो जब होता है when it has been treated as income. अगर आपने उसको इनकम ट्रीट करा है तो बैड डेट तब होता है, वो तो हमने कह दिया, अदरवाइज तो बैड डेट होता नहीं है. तो वो बैड डेट के प्रोविजन सेक्शन 36(1)(7) में तो क्लियर कट प्रोवाइड किए हुए हैं. यहां पर तो उन्होंने लिखा है एनी अदर एक्सपेंस विच हैज बीन इनकर्ड इन अर्निंग दैट इनकम. मैं एक चीज बता दूं, एक और चीज सुन ली सर, एक एफडीआर हमने बनाई कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, और मैं हर साल उसको इंटरेस्ट अक्रू कर, पहले तो मैं बताना भूल गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगते हैं. सेक्शन 145(1) में लिखा है कि कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम या कैश सिस्टम. अगर आप मर्केंटाइल करते हैं तो वो ही हो जाएगा, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कैश सिस्टम कर सकते हैं. ये अदर दो ही हेड हैं जहां पर आप ये कर सकते हैं, या बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज के हेड, तो आप ले सकते हैं. सपोज मैं मर्केंटाइल सिस्टम कर रहा हूं, तो सर मेरी एक एफडीआर बनाई 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है 7% है, चलो जो भी है. 2 साल तो मैंने इंटरेस्ट को इनकम आई, टीडीएस कटा है, मैंने रिटर्न भर दी और टीडीएस का क्रेडिट ले लिया, और तीसरे साल मैंने एफडीआर को प्री मेच्योर करा दिया. अब जब प्री मेच्योर कराया तो मेरा जो इंटरेस्ट बना वो कम बना और बैंक उससे रिकवर कर रहा है. मेरी बात समझ रहे जगजीत जी, मैंने क्या कहा, प्री मेच्योरिटी ऑफ दी एफडीआर की वजह से मेरे को तो इंटरेस्ट मिल रहा था 5 साल का इसी से कंपाउंड, लेकिन क्योंकि प्री मेच्योर कर दिया तो उसमें पेनल्टी क्लॉज लगता है, उसमें इंटरेस्ट भी वो मिलता है जितने पीरियड का हुआ, और वो इंटरेस्ट कम हुआ, और लेकिन मैं इनकम टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं क्योंकि मैंने तो 2 साल का इनकम दे दिया, तो वो जो लॉस है ना वो अलाउ कर देते ऑन अकाउंट ऑफ दिस, वो लॉस अलाउड है, बाकी कोई अलाउड. और एक जजमेंट और भी है, मैंने पैसे जमा कराए, मुझे जरूरत पड़ गई कोई काम के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, एफडीआर तोड़वाई नहीं, एफडीआर बनी हुई थी उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, और लोन लेकर मैंने वो एसेट खरीद, जो भी था वो कर लिया. अब सवाल आया क्या मुझे वो खर्चा मिलेगा जो मैंने इंटरेस्ट दिया उस लोन पे, तो एक जजमेंट है कि हाँ मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस तोड़वा लेते तो आपकी इनकम खत्म हो जाती, और इनकम खत्म हो जाती तो टैक्स ना मिलता, तो ये वाला जो आपने लोन लिया उस इंटरेस्ट को हम खर्चा अलाउ करते, ये जजमेंट है ट्राइब्यूनल की जो मैंने आपको. आप सवाल पूछ सकते. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मदर्स प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू बिल टू सन HUF विदाउट एनी टैक्स इंप्लीकेशन. Why not? You can do. बिल से तो कुछ भी कर सकते हैं. बिल से तो मेरी HUF को दे दे, तभी मैं मान लूंगा, कोई लगेगा नहीं मुझे. उनको कहो मेरे HUF को दे दे, बिल से कुछ नहीं होगा. बिल से कोई भी ट्रांसफर है वो ट्रांसफर नहीं मानी जाती. Next question sir. A lady constable in Punjab police is getting family pension on account of death of her husband. जो फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, और सेक्शन 57 में 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 व्हिचएवर इज लेस एक्सटेंडेड डिडक्शन मिलती है. ओके सर, कई चीजें भूल जाते हैं सर, गलती हो गई, सवाल पूछो अब जवाब दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू शो लॉसेस और गेन फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड व्हिच ITR टू बी चोजन फॉर फाइलिंग ITR. बिजनेस इनकम होती है वैसे तो, ये तो बिजनेस होता है. चलिए वो कभी कभी आप दिखा देते हैं अदर सोर्स में, कोई पूछता नहीं है, अदरवाइज तो बिजनेस है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर यू लिव बियॉन्ड 2.5 lakh इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1) अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड सर? एक ही एक्सपेंडिचर अलाउड होता है वो जो एनी अदर एक्सपेंड बिजनेस के अंदर. तो अगर आप बिजनेस की इनकम अगर आपको जो अगर आप वो कर रहे हैं तो 40A लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, 40A(3) और 3A इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लगता है, ये मैं आपको बता दूं, और 43B भी लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये भी आपको बता दूं. लेकिन ये क्या कहना चाह रहे थे दोबारा बोलिए. वेदर यू लिव बियॉन्ड 2.5 lakh इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1) अप्रैल 1 फरवरी 2021 के बाद उसका लॉ आ गया है,
कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आप यूलिप को कंट्रीब्यूट करोगे तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और कैपिटल एसेट के बाद जब उसका पैसा आएगा तो 45(1)(b) में टैक्स लगेगा, तो खर्चा किस बात का हुआ? ये तो 45(1)(b) लग गया सेक्शन 2 क्लॉज 14 रेड विद सेक्शन 10(10)(d). ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए गिव टू हिज ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर, डॉटर सन एंड डॉटर्स, वेदर बोथ गिफ्ट्स आर एग्जम्प्ट और बोथ आर नॉट एग्जम्प्ट? क्यों नहीं माफ है? लीनियल असेंडेंट तो कोई भी हो सकते हैं, दादा दादी परदादा परदादी और उससे भी ऊपर, जितनी जनरेशन जिंदा है वो दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इफ आई डिपॉजिट पीएफ टू 16 ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, यदि 16 तारीख को मैं पीएफ जमा करूं तो क्या होगा? किसका? अपना पीएफ के लिए 43(b) लगता है, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय के पीएफ में अलाउ नहीं होगा, इनकम मान ली जाएगी आपकी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो तो लाभ बन गया ना, आपको दोबारा क्लियर कर दिया उन्होंने, 36(1)(b)(a) में एक्सप्रेशन डाल दी है कि 43(b) की ड्यू डेट का कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय क्लाइंट इंटेंड टू परचेज ए शेयर ऑफ ए अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर एट नेगोशिएटेड प्राइस मेथड, हाउ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी वेंडर को भी और वेंडी को भी लेनी पड़ेगी फेयर मार्केट वैल्यू, और वो निकालनी पड़ेगी 11(UA)(1) में, रूल 11(UA)(1) में निकालनी पड़ेगी। ये कोई इश्यू ऑफ शेयर नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर है। ट्रांसफर में वेंडर को 50CA लगेगा और वेंडी को 56(2)(10) लगेगा, दोनों को मार्केट वैल्यू से होनी चाहिए, नहीं तो आपको टैक्स लग जाएगा, डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मेड सम इनकम फ्रॉम बिटकॉइन ट्रांजैक्शन अंडर व्हिच हेड इज नो आंसर नो कमेंट ऑन बिटकॉइन। ये संजय शर्मा जी बताएंगे, इनका बेटा करता है, मैं नहीं बताऊंगा इनकम टैक्स, आगे बोलिए, इनके बेटे ने बहुत कैसे कमाए। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इन बैंक इज एग्जम्प्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉर डॉक्यूमेंट। गिफ्ट के लिए आपको बता दूं, एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनी होना चाहिए, गिफ्ट पे रिसीवियट कर एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको एक बना लेना चाहिए कागज प्लेन पेपर पर, और वो रिलेटिव से भी हो, लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट करके अगर कागज उन्होंने मांग लिया तो उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए डोनी की या रिसीपियंट की, तभी एक वैलिड गिफ्ट होती है। सर ये पूछ रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी लगानी चाहिए इसमें, किस बात की स्टैंप ड्यूटी गिफ्ट में? इमोबल प्रॉपर्टी की होगी तो जरूरी है, बाकी किसी की भी जरूरी नहीं है। एक सेकंड सर, बहुत ही गदरी लोग बड़े तंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सर, प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन बड़ा अजीब है, एनी एडवांस फॉर रिसीव्ड अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज फॉरफीचर्ड, वेदर इट इज टैक्सेबल? Agriculture land is not the capital assets. Is forfeited, can I claim it is expenses or loss? है? अरे यार इनकम है उसको, वो वाला जो देने जो बेचने वाला, सर कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस डेट लॉस होता है, ट्रांसफर क्या हुआ? अरे कैपिटल लॉस, अगर कैपिटल गेन ये होता है तो कैपिटल गेन इंक्लूड लॉस, लॉस तब होता है जब ट्रांसफर हो, यार ट्रांसफर क्या हुआ है? अरे क्या ट्रांसफर हुआ सर? इट डेड नॉट रिजल्ट इन टू ट्रांसफर, डेट लॉस है, डेट लॉस है। बोनस शेयर रिसीव्ड कंपनीज से डीम डिविडेंड होगा क्या जी? बोनस शेयर किसने रिसीव किए? अगर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने किए तो डीम डिविडेंड, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिविडेंड डिक्लेरेशन बिफोर 1/4/2020 बट पेड आफ्टर 1/4/2020, ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुकी है, ऑलरेडी क्लैरिटी आ गई थी, अब क्या पूछ रहे हैं? अगर 31 मार्च तक डिक्लेयर हो चुका है तो रिसीव बाद में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लैरिटी तो बहुत देर से आ गई, ये पुराने पुराने सवाल पूछ रहे हैं।
इसकी तो रिटर्न भर चुकी होगी। अच्छा रिटर्न जानी है इसलिए पूछ रहे। 194Q is applicable on a statutory body like ESIC or autonomous. हाँ माफ किया, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई माफ किया नहीं है, जब माफ करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी तक कोई माफ नहीं। सर व्हाट अबाउट द डीलिस्टिंग ऑफ शेयर वेयर द टोटल अमाउंट इज वाइप्ड आउट कैन बी शो एज वर्सेस इनकम नेगेटिव इनकम इफ यस देन अंडर व्हिच हेड। सर 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 आपने जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कैपिटल लॉस नहीं। इनका सर इनका कहना है हमने कंपनी के शेयर खरीदे जो कि डिलिस्ट हो गई। और ट्रांसफर कहां हुए? अरे अच्छा। आपने आप डेड कर दिया तो ट्रांसफर कहां हुए? ट्रांसफर थोड़ी हुए, आपके पड़े पड़े खत्म हो गए तो फिर आपको क्यों लॉस देंगे? ट्रांसफर करते तो होता। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ एडवांस टू शेयर होल्डर कंसर्न इज फॉर गुड्स और सर्विसेज, विल इट स्टिल बी डीम्ड डिविडेंड? दोबारा बोलिए। व्हाट इफ एडवांस टू शेयर होल्डर, मैंने बताया ना, अगर वो बिजनेस की रेगुलर बिजनेस की वजह से दिया गया है और बिजनेस के पर्पस के लिए दिया गया तो नहीं माना जाता, अदरवाइज माना जाता है। यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट इट इज अ बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग दैट एडवांस लोन, और वो बिजनेस की वजह से दिया गया तो मान। वेदर ऑल बोनस शेयर रिसीव्ड विल बी डीम्ड डिविडेंड, वेदर ऑल बोनस शेयर रिसीव्ड। अरे बता तो दिया, पहले भी सवाल पूछ लिया आपने सर, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं तो डीम डिविडेंड नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं तो डीम डिविडेंड होता है। सर एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन हैविंग 10% इंक्लूड हुम? ये तो एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ 2-2E व्हेन ए डायरेक्टर इज प्रोवाइडेड इंप्रेस्ड और एडवांस फॉर एक्वायरिंग एन असेट्स फॉर द कंपनी? सर देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये सब कहानियां डाली हुई हैं। एडवोकर का केस है, एडवोकर का केस है कि ये उसको दे दिया और उसके बाद उसने वापस कर दिया, ये एस्टेब्लिश जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है तो बात अलग है, नहीं तो ये बनाई गई बातों को कोई नहीं मानेगा। मैं पहले बता दूं ये चीजें मेरे से मत पूछा करो, क्योंकि मैं फिर सब जवाब दूंगा गवर्नमेंट के फेवर में तो आप कहेंगे ये गलती दे दिया, रिस्क नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंपनी गिव लोन ₹50,000 टू शेयर होल्डर and treated as deemed dividend in the hands of shareholder and then shareholder repay such in cash, then whether section 269T is applicable or not? 269? T. अरे ये loan advance जो एक मिनट बाद, वो जो T वाला ये बात करते हैं, जब आपने उसको deemed dividend, उनको loan और advance दिया, तो आपको वापस तो उसको हमने dividend मान लिया, that is a secondary issue. But loan has to be repaid or not? Yes. Loan has to be repaid. वो चीजें छोड़ो, वो deemed dividend तो for the purpose of income tax है, बाकी तो loan को repay account पे ही check से ही होगा। हाँ कुछ कहना चाहते हैं दवीजा जी? हाँ adjust कर लीजिए तो अलग बात। Sir, you have very rightly said it. वो तो deeming provision है, उसे deeming income लगी है, लेकिन otherwise से उन्हों knock off करना ही है। Correct. Correct. Next question. I am director of a company and given on rent to the same company and taken deposit from the company, whether it will be treated as deemed dividend? What is the practice in the industry? ये बात, वही वाली बात है ना, आगे चलो से। ये practical, ये fact के cases होते हैं, और ये fact के case, ये madam बैठी है, यही settle करते थे, उसके facts देखकर, मैं नहीं settle कर सकता। तो facts के case तो यहीं तक जाते थे ना, तो madam को पता है क्या करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। It varies from case to case. How do you present the case? What are the facts? Well, all these things are important. Chaliye. For deemed dividend purpose, if company is partner in a firm in which shareholder have substantial interest, then capital contributed will be deemed dividend. For deemed dividend purpose, if company is a partner in a firm in which shareholder have substantial interest, then capital contributed will be deemed dividend. Is it loan or advance? It is a capital contribution. जी, लोन एंड एडवांस पे से एप्लीकेबल है, कैपिटल पे तो है ही नहीं है सर ये। ना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 ऑन व्हिच वी हैव रिसीव्ड ₹2.5 पर शेयर एज कॉल मनी एंड द बैलेंस ऑफ ₹7.5 हैज नॉट बीन फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया और उसकी भी जजमेंट है, ये क्लोजली हेड में तो रोज ही फॉरफिट होता है।
धन्यवाद। ये टैक्सेबल है सर पूरा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्लोजली एड में तो रोज ही होता है। और क्या शेयर कैपिटल एसेट नहीं है? क्या शेयर कैपिटल एसेट नहीं है? तो टैक्स मैं नहीं बोलूंगा सर। ये ट्रांजेक्शन है बंद करवा दो इनको, कहो बदला गया, जमाने बदल गए। सर सारा ने बात खत्म हो गया काम सारा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई हैव टेकन हिताची ऑन रेंट पर मंथ फॉर रुपीज 2 lakh, आई हैव गिवन इट फॉर रुपीज 2.5 lakh, वेदर द डिफरेंशियल अमाउंट कैन बी शोन अंडर अदर इनकम और अदर हेड। क्या लिया था आपने 2 lakh का? आई हैव टेकन हिताची ऑन रेंट पर मंथ 2 lakh रुपए पे लिया और 2.5 lakh रुपए पे दे दिया, तो ठीक है क्यों नहीं कर सकते 50,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपका बिजनेस नहीं है ये तो। सर SFT रिटर्न डेट इज 30 जून, व्हाट बट साइट इज नॉट वर्किंग, हाउ टू फाइल। कौन कह रहा 30 जून है? कौन सी 30 जून है भैया? SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। डेट एक्सटेंड नहीं करी क्या उन्होंने इस बार? कर दी सर कर दी। तो कमाल है, डेट एक्सटेंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ना उनका, सारे पर लिखे 62, 62, 64 ये सारे लिखे हुए ना वहाँ, तो डेट एक्सटेंड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, माय सप्लायर बिल मी एंड डज TCS इन दैट केस, एम आई लायबल फॉर TDS ऑन द परचेज और नॉट। क्या चीज है मैं समझा नहीं। माय सप्लायर बिल्स मी एंड डज TCS इन दैट केस, एम आई लायबल फॉर TDS ऑन दिस परचेज और नॉट। सर अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है और आपका 50 लाख से ऊपर का माल खरीदा या पेमेंट करी है तो आपको TDS काटना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं, TCS, VCS आपकी ड्यूटी है TDS काटना बायर की। हाँ अगर बायर 10 करोड़ से नीचे है फिर TCS वाले के पास जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन पर्सन से पेड ए पेड टैक्स अंडर 22E2 सब क्लॉज ई टू द एक्सटेंट ऑफ फुल एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से 10 lakhs, subsequently dividend distributed of rupees 10 lakh rupees 5 lakh to A and 5 lakh to B, should be B pay tax on 5 lakh? B वाला pay करेगा, A वाला नहीं करेगा। ये अगर adjust कर लिया 10 के 5 5 का 10 के साथ adjust कर लिया तो A वाला नहीं करेगा, लेकिन B वाले का तो कोई loan नहीं है वो करेगा, B वाले को देना पड़ेगा। ठीक है सर। Next question, any depreciation being charged from many years in a trust ITR 7 case, whether non-cash expenditure like depreciation is allowed in case of trust as application of income received, what treatment will be taken? जिसको आपने application मान लिया है capital expenditure को, उस पर depreciation मिलनी नहीं, बात खत्म। जिसको capital expenditure को application मान लिया है उस पर कोई depreciation नहीं मिलनी। पुराने जमाने छोड़ दो, मैंने कहा ना हम जब तक CA कर रहे थे पढ़ते थे, उसके बाद अब पढ़ने का दिल नहीं करता, अब दिल को दोबारा समझाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर कैश गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग मैरिज इज टैक्सेबल इफ इट एक्सीड मोर देन 50,000 ड्यूरिंग मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ना? हाँ ऑन द ओकेजन ऑफ, 1 crore का रिसीव कर लो, जेन्युइन होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? इन कैश, इन कैश 269 ST, ओके 269 ST 2 lakh, 2 lakh से ऊपर टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मदर इन अर्लियर ईयर इन कैश, मदर एक्सपायर्ड लास्ट ईयर बट नो गिफ्ट डीड और एनी डॉक्यूमेंट आर देयर, व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस, मदर ओन एग्रीकल्चर लैंड। एक चीज उनसे पूछिए, ये इसका जवाब मैं क्या दूं? ये तो जवाब ये हो देगा उसको, आप सेटिस्फाई कर देंगे कि भाई ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो मान लेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अब मैं इस बारे में क्या, इस चीज को ये भी तो प्लानिंग नहीं कर रहे, ये प्लानिंग करते। हमारे यहाँ कोई ओल्ड लेडी मर जाती है तो कहती इतनी ज्वेलरी मिल गई उसके यहाँ से, ये नहीं देखते कि उसकी ज्वेलरी जब मिली है क्या उसने वेल्थ टैक्स दिया था, जब तक वेल्थ टैक्स था तब तक तो वेल्थ टैक्स था और वो करा था उसने। अरे यार ऐसे तो जो मर्जी कर लो भैया, मैं कुछ नहीं बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर ऑल्सो इन द नेट ऑफ डीम डिविडेंड। नहीं नहीं नहीं, आगे चलिए। इज 20% एक्सपेंस लिमिट
also on other income under other sources apart from dividend? सर ये सिर्फ डिविडेंड के लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन 20% है और कोई खर्चा नहीं है डिविडेंड से अलाउ, ओनली वन एक्सपेंडिचर और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, 20% ऑफ द डिविडेंड, इसके ऊपर नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस लेंडिंग कंपनी शेयर होल्डर इज इंडिविजुअल होल्डिंग मोर देन 10% एंड गिव्स लोन टू अ कंपनी व्हिच इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ कंपनी इन व्हिच सच शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 20%। सर मैंने आपको बताया ना, अगर उसका ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस है मनी लेंडिंग का तो ये कर सेक्शन लगता ही नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन इंटरेस्ट इनकम? इफ यू हैव बोरोड द मनी टू इन्वेस्ट जरूर मिलेगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 57 जनरली इन 143(1)(a) एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड, कैन वी शो नेट अमाउंट इन रिटर्न और शो ग्रॉस लेस एक्सपेंसेस? दोबारा बोलिए, दोबारा मैंने समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि सर ये जो भी एक्सपेंसेस दिखाते हैं वो 143(1)(a) में डिसअलाउ होकर के आ जाते हैं। दिखाते तो हैं ना, दिखाते हैं इसलिए डिसअलाउ होकर आ जाते हैं, करते हैं तो डिसअलाउ होकर नहीं आते। तो नेट करते हैं सर, अरे सुनते लो, एक्सपेंस करते तो डिसअलाउ नहीं होते, ये दिखाते हैं इसलिए डिसअलाउ हो जाते हैं। तो सर इनका क्वेश्चन है, कैन बी शो नेट अमाउंट इन रिटर्न और शो ग्रॉस लेस एक्सपेंसेस? नो 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 नो, आपको कंप्यूट करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 56 में लेके लेस करना है 57। तो फिर सर इसका रेमेडी क्या है सर? वो तो अच्छा शो करो, अरे जब जेन्युइन खर्चे तो अलाउ होंगे, नहीं है तो मैं क्या करूं। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु डाइड ड्यू टू कोविड फ्रॉम हिज फ्रेंड फॉर अपकीप और फैमिली मेंबर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर? अब तो बता दिया, किसी भी पर्सन से रिसीव करोगे मैरिज के मेडिकल क्रय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डेथ के बाद अगर वो लीगल ईयर रिसीव करेगा 10 लाख तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन रिसीव जेन्युइन होने चाहिए, समझ गए, खुद ही रिसीव ना कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बात को समझ गए, मेरा मतलब क्या है, कोजी मुझे तो आए थे 10 लाख, कहां से आए थे ये बताओगे नहीं, ये नहीं होगा, आप बात समझ गए मेरी, प्रूफ तो देना पड़ेगा कहां से रिसीव हुए, वो जेन्युइन रहे ट्रांजेक्शन, नहीं तो ये तो सारे यूज कर लेंगे इसमें, लो 10-10 लाख तो वाइट कर लो, ब्लेसिंग इट इज गाइस, जाने वाला चला गया 10 लाख वाइट हो गए, ये नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 15,000, इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 25,000, तो टोटल मिला के 20% अलाउड है ना यार, 20% ऑफ व्हाट? 4 लाख रुपया हो गया ना सर, 20 लाख डिविडेंड आ गया, 4 लाख के हो गए अलाउड। ओके 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन ना ले सर, इस पे तो ठीक है कमेंट करना ठीक नहीं। कल ही तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि 5 लाख मुझे सैलरी मिलती है और मैं 75% टैक्स देता हूँ, कल कुछ बोला, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो भाई साहब ने कहा इतना टैक्स कैसे लग जाएगा, 55% दे रहा टैक्स, वो बात क्या है कि परकुसिट नहीं गिने, परकुसिट गिन के करते तो होता है, 5 लाख तो पर मंथ मिलते ही है। आगे चलिए, NSSE purchase urban agriculture land in 2013-14 and there is a difference of rupees 8 lakh in sale consideration stamp duty value. Now SSE received notice from income tax and taxing such 8 lakh. What are options available with the SSE to curtail such addition? कोई option available है? आपने कम दिखाया, वो income escaping assessment है, उसका notice आ गया है, जवाब दीजिए। उसके उसने क्या, आप उसको कैसे पता लग गया कि 8 लाख हुआ है, इसने रीजन मांग लिए, इसको कैसे पता लगा 8 लाख स्केप हुआ है, रीजन मांगे सर, हां कंसीडर वो मांगेंगे, ठीक बात है, सही बात है, पहले रीजन मांगे होंगे तभी तो पता लगा, नहीं तो इसको कैसे पता लगा 8 लाख का हुआ, इसके घर में चोर है, वो पहले रीजन, पहले तो आप रिटर्न भरिए फिर रीजन मांगिए ना। अरे ये 2013-14 में एप्लीकेबल था, ये क्यों नहीं एप्लीकेबल, क्या एडवांस, आप किस बात की बात कर रहे हैं, किस चीज की, 50C तो एप्लीकेबल है।
कोई मना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑन डिमाइज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड फ्रॉम एम्प्लॉयर फ्रेंड्स और रिलेटिव विल बी टैक्सेबल। ऑलरेडी बोल दे, आंसर कर दिया ये। व्हाट विल बी द स्टेटस इन बायबैक शेयर सिंस नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। व्हाट विल बी द शेयर, व्हाट विल बी द स्टेटस इन बायबैक शेयर सिंस नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। उसके भी फेयर मार्केट में निकालनी पड़ती है और इश्यू प्राइस का डिफरेंस लेना पड़ता है उसको, 115 QQA पढ़ लीजिए, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू एट विच इज इशू इट टैक्सेबल वेदर इट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नो कमेंट, आस्क मिस्टर संजय जी। एज 56 दो बार वही बार सवाल रिपीट कर रहे हैं। एज 56(7)(b) सबसेक्शन 7(b) एप्लीकेबल ऑन ए स्टार्टअप वेयर द वैल्यूएशन इज हाई। नो, स्टार्टअप वहां पर स्टार्टअप के डेफिनेशन दे रखी है, स्टार्टअप के केस में एप्लीकेबल नहीं है, पर यू शुड सेटिस्फाई द कंडीशन, स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर ऑफ स्टॉक, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक बाय वो था इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस, उसमें प्रॉफिट कहां से आ गया, जितना लॉस होता है उतना ही तो आता है, इट इज एन इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस। नहीं, ये कह रहे हैं कि 85 लाख का स्टॉक फायर हुआ उसमें से 50 लाख कंपनसेशन मिला है तो 35 लाख रुपए। बिजनेस साइड में अलाउड होता है सेक्शन 28 में जी, सेक्शन 28 में लॉस बाय फायर अलाउड है, अगर आपको कम मिला तो लॉस अलाउड है, वो रेवेन्यू लॉस होना चाहिए, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, ये रेवेन्यू लॉस अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोजली हेल्ड कंपनी हैज इशूड राइट शेयर्स टू जस्ट वन शेयर होल्डर एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। धन्यवाद, सबको बराबर देने हैं, पारी पशु देने हैं, नो राइट ऑफ रिनंसिएशन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2021, प्रोमोटर वांट टू इन्फ्यूज 90 लाख इन द कंपनी एज शेयर कैपिटल, कैन कंपनी अलॉट शेयर ऑफ ₹1000 पर शेयर वेयर फेस वैल्यू इज ₹100। हे राम, सारी कहानी पढ़ दी, पूरा 56(2)(7) भी बता दिया, फिर कहते हैं क्या कर सकते, नहीं कर सकते, टैक्स लगे, हम नहीं सुधरेंगे, अभी भी कलकत्ते का टच इन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म हेल्ड इक्विटी शेयर ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हाउ शेयर नीड टू बी वैल्यूड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर। 45(4) वो वैल्यूएशन लेनी पड़ेगी, अगर लिस्टेड कंपनी की है तो पता ही है शेयर की वैल्यू क्या है, अनलिस्टेड की होगी तो 11UA 1C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट कैपिटल गेन ऑन लीज होल्ड इमोबाइल प्रॉपर्टी सोल्ड बिलो सर्कल रेट वैल्यू। 50C लगता है, और ये कई डिसीजन है, 50C नहीं लगता, कई डिसीजन है, लेकिन वो लगेगा, असेस अडॉप्टेड असेसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ राइट शेयर इश्यूड बाय ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू, फिर वही सवाल है कि वो रिनंसिएशन है या एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, इक्वल देने। ओके, पेरी पेसू, इक्वल का मतलब पेरी पेसू, प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडिंग, प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल, उनकी जो शेयर होल्डिंग है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कैन रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न और आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। दोनों दिखाने पड़ते हैं आजकल तो, रिटर्न में दोनों दिखाने पड़ते हैं, एक्चुअल प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, उसके बाद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इफ एनीवन परचेज इमोबाइल प्रॉपर्टी फॉर ₹25 लाख एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 28 लाख, व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी। कुछ नहीं होगी, 28 लाख का 55 लाख की खरीदी है, 25 लाख में तो 3 लाख रुपए 10% अलाउड है, 25 का 10% जोड़िए 27.5 को 28 है, 28 में लगेगा 27, अगर 25 से थोड़ा ऊपर खरीद लेते तो हो जाता, बच जाता 10% मार्जिन अलाउड है। इस केस में पूरा 3 लाख पर टैक्स लगेगा ना सर। बिल्कुल, 28 माइनस 25, 1 रुपए भी ज्यादा हो तो पूरे पे लगेगा, और 10 होता तो छोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम ड्रीम 11 सर्किल 11 प्रो कॉइन डीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। एनी गेम और कार्ड गेम और एनी एक्टिविटी वो आ जाएगा 30%।
father gifted the land to his son and then what will be the tax implication? कोई ने गिफ्ट देना तो फादर देगा सिर्फ रजिस्टर वो कराने चाहिए स्टैंप ड्यूटी पे होनी चाहिए गिफ्ट हो गई तो टैक्स इंप्लीकेशन कुछ नहीं है रिलेटिव है बेटे को नहीं देंगे तो और किसको देंगे रिलेटिव को दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनएडुकेट कंसीडरेशन इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज अलाउड इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन रिलेटिव वाई देर इज नीड रिलेटिव है तो कोई इनएडुकेट होता ही नहीं है 56 स्टूडेंट लगेगा नहीं इनएडुकेट में रिसीवर को नहीं लगेगा सेलर को लगेगा बहस सुनिए मेरी एक प्रॉपर्टी है उसकी कीमत स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है मैंने अपने भाई को 70 लाख भेज दी मुझे तो 1 करोड़ पे टैक्स देना अगर गिफ्ट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैंने बेची 70 लाख की तो मुझे तो 1 करोड़ पे देना पड़ेगा भाई को नहीं देना पड़ेगा भाई को नहीं देना पड़ेगा मुझे देना पड़ेगा 1 करोड़ पे भाई को नहीं देना पड़ेगा वो इनएडुकेट मानी है वो आपका रिलेटिव है आपके हैंड में 1 करोड़ रुपए उसकी सेल वैल्यू मानी जाएगी या जितने का मिली आपने भाई ने दिया है ना आपको तो मिला 70 लाख का तो आपकी कॉस्ट 70 है एक क्यों है ठीक है तो भाई को तो 1 करोड़ पे लगेगा ना टैक्स और वो 1 करोड़ आपने कितने का खरीदा भाई क्या आपने टैक्स दिया 30 लाख पे नहीं दिया तो फिर 70 ही तो हुई आपकी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लोन टू डायरेक्टर 15 लाख एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख लोन रिटर्न बाय डायरेक्टर एंड गिवन टू अनदर डायरेक्टर हाउ मच अनदर डिविडेंड 5 लाख अगला 5 लाख बस बचा है 20 में से 15 लग चुका है 5 whether gift received by HUF from its member exempt or not it is exempt but clubbing provision are there 64(2) लगेगा HUF से गिफ्ट लेना मेंबर से ले सकते हैं लेकिन क्लबिंग हो जाएगी उस इनकम की जो आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन सर कैन गिफ्ट बी रिसीव्ड इन कैश 2 लाख 269 ST. Next पर डे 2 लाख ले लो पर डे ठीक सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स फादर एंड मदर लीनियन असेंडेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम नाना नानी ये तो बता ही दिया आपने कर दिया आनंद दुआ जी का क्वेश्चन है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव क्यों नहीं कैन ए पर्सन गिव गिफ्ट टू ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ स्पाउस इज ऑलरेडी डेड उससे क्या फर्क पड़ता है डेड है कि क्या यो लिखा स्पाउस शुड बी अलाइव नो यार ये क्या वो मेरा रिश्तेदार खत्म हो जाता है मेरी बीवी मरने के बाद मेरा साला ही रहेगा मेरी साली ही रहेगी अगर उसकी वाइफ की मेरी वाइफ की डेथ होगी तो साला खत्म थोड़ी हो गया रिलेशनशिप ये कैसे कह दिया इसी में सर इनका एक क्वेश्चन और है कि इफ ही रीमैरी देन कौन रीमैरी कर रहा है वो पुराना साला तो साला ही है नया साला एक और आ गया सर दोनों शादियों पे भी गिफ्ट अलग अलग मिल जाएगी पहली शादी पे भी गिफ्ट मिलेगी दूसरे पे भी मिलेगी और मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन अरे प्रोविजनल नवा काम हो जाएगा शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये क्या होता है सर ये मजे लेने के लिए करते हैं मेरे को एक मैं कहता था माइनर की इनकम क्लब होती है तो एक ने मुझसे पूछा सर माइनर का बेटा है तो उसकी इनकम कैसे क्लब होती सर बड़ा काबिल माइनर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये सवाल इसने पूछा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सर वेदर HUF डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स एनुअल बिजनेस इनकम टू इट्स मेंबर इफ यस करंट इनकम बांट सकते हैं करंट इनकम बांट सकते हैं सेक्शन 210 में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव शेयर ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम द HUF इज फुली एग्जेम्प्ट 10-2 210 बोला आपने 10-2 ही बोला सेक्शन 10 क्रॉस 2 सर 210 बोल देता नेक्स्ट क्वेश्चन सर वेदर गिफ्ट फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ लीनियन असेंडेंट यस कहो गया ना नाना उसने अंग्रेजी बोल दी मैटरनल ग्रैंडफादर एक ने हिंदी बोल दी नाना बात तो एक ही है यार सत्येंद्र जी का क्वेश्चन है बुक्स बुक्ड वन रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर 15 लाख फ्रॉम ए बिल्डर इन 2012 एट द टाइम ऑफ पजेशन इन 2015 सर्किल रेट वाज 30 लाख एंड पेड स्टैंप ड्यूटी ऑन 30 लाख नाउ इन 2021 फेयर मार्केट वैल्यू इज 15 लाख सर्किल रेट इज 30 लाख ए फ्लैट इज टू बी सोल्ड नाउ कैन इट बी रिफर्ड टू HOAO असेसिंग ऑफिसर फॉर वैल्यूएशन बिकॉज जो मर्जी भेज दीजिए अलाउड तो है लेकिन फिर मैं कुछ आगे नहीं कमेंट करूंगा
वेरी रेयरली वो एग्री करते हैं कि इसकी कीमत कम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन गिव टू ग्रैंड सन ओब्लिक डॉटर दैट इज डॉटर सन डॉटर. हो गया नाना नानी सब घुमा फिरा के एक ही चीज पूछ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल रिसीविंग गिविंग गिफ्ट. एक सिंपल पीस ऑफ पेपर, अगर इमोवेबल है, इमोवेबल है तो रजिस्ट्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए गिफ्ट एंड ए डोनेशन. डोनेशन नॉर्मली इज नॉट गिवन टू रिलेटिव, गिफ्ट्स आर गिवन टू द पर्सन फ्रेंड रिलेटिव्स वगैरह. बाकी चीज एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, दोनों चीजें विदाउट कंसिडरेशन है, दोनों विदाउट कंसिडरेशन है. लेकिन डोनेशन मेनली धर्म कर्म के लिए बोला जाता है वर्ड डोनेशन, और गिफ्ट धर्म कर्म के लिए नहीं बोला जाता, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को देने के लिए बोला जाता है. बाकी पर्पस उसका दोनों का सेम है कि कंसिडरेशन नहीं. ओ सर ओथे लव एंड अफेक्शन है कि गिफ्ट है, ओथे धर्म कर्म है का. सर एक बात बताऊं, सर गिफ्ट है सैंपल करनी पड़ती है, लव एंड अफेक्शन नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है. लव एंड अफेक्शन नेचुरल बच्चे के लिए होता है, सलमा बीवी के लिए नेचुरल लव ही नहीं है, वो लव एंड अफेक्शन लिखना है. कभी हर जगह नेचुरल लव एंड अफेक्शन मत लिख देना, लव एंड अफेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लबिंग विल बी ओनली इन केस वेयर गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम स्पाउस ओनली. यस यस या डॉटर इन लॉ. ओके, हम डॉटर इन लॉ को देंगे तो क्लब हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टेक गिफ्ट फ्रॉम चचिया सास, मान लो मिसेज की चाची से. मिसेज की चाची से मैंने बोला ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब ये कैलकुलेट कर लीजिए और उनकी बीवी ले सकते हैं. वेदर गिफ्ट कैन बी गिवन आउट ऑफ बोरोड फंड फ्रॉम बैंक. कितने बड़े महानुभाव, कितने दानी हैं ये. कितने दानी हैं, बोरो फंड करके गिफ्ट दे रहे हैं. कमाल है सर ऐसे दानियों का. हमारे यहाँ तो दानी ऐसे हैं जो दान देके पैसे वापस ले लेते हैं. ये तो अनदानी है जो लोन लेके गिफ्ट दे रहे. कमाल है सर, कमाल है. चलिए आगे. सर कैन आई टेक गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर ऑफ माय ग्रैंड फादर, अलाउड है. सर मैंने बोला पेरेंट्स. अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रदर एंड सिस्टर द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अच्छा, ग्रैंड फादर के ब्रदर नहीं, पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. ओके ओके. Can my मासी son give to my son or daughter? No, nephews नहीं से नहीं ले सकते, उनको दे सकते उनसे ले नहीं सकते. Whether gift to father on occasion of his daughter's wedding is exempt? दोबारा बोलिए. Whether gift to father on occasion of his daughter's wedding is exempt? Gift to father? अरे father को gift दी तो daughter की marriage का क्या मतलब? Daughter को देनी है, father को कैसे दे सकते हो? शादी किसकी हुई है, फादर की कि डॉटर की? जिसकी शादी उसको गिफ्ट देना है. बहन लगी फिर, फादर डॉटर तो बहन लगी. देखो कि फादर को भी नहीं चेक. फादर डॉटर तो बहन लगी सर. उसके नाम लो, कैश तो आप दिखाई देते हैं बेटे उसके नाम, तो चेक उसके नाम लो ना, बेटी के नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इन फॉरेन करेंसी इज अलाउड. वो तो फेमा का रोल आ जाए अलग बात है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड विल कवर अंडर सेक्शन 56(2) और नॉट. मैं बता दिया 56(2) बी में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कैपिटल एसेट लिखा है, ग्रे एरिया है. सर इनका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा इज माय रिलेटिव बट आई एम नॉट ए रिलेटिव टू हिम फॉर पर्पज ऑफ गिफ्ट, इज दिस करेक्ट. लॉ है, लॉ को मैं क्या कह दूं, रिलेटिव की डेफिनेशन में अब लॉ. और इतने सारे रिलेटिव तो दे दिए आपको, सारे तो खुदा आ गई, सारी तो खुदाई आ गई, कौन सा बचा है गिफ्ट लेने में? और किसको पता किसका मामा कौन है और मामी कौन है? और मेरे को क्या पता, मैं क्या बताऊं, ये मेरा मामा है, ये मेरा बुआ है. या तो अपने चाचे के लड़के को भी भाई कहते हैं, मैं क्या बोलूं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फैक्ट्री पोर्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, वेदर वी कैन शो रेंट अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम. सर नॉर्मली शुड बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अनलेस की अगर डेप्रिसिएशन तो बंद हो जाएगा जब हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे. जी 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 जी, डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगा जब हाउस प्रॉपर्टी जाएंगे. जब आपका टेम्पररी आपने दिया और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमने केसेस में बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं.
Some receipt from employee provident fund is taxable under which head and what is PF under section? आपको बता दिया income from other source में बताया अगर वो business नहीं है नहीं तो business में होगा. Next question. Additional amount in the nature of a compensation for non-delivery of flat and settlement of dispute taxable under what? वो normally interest दे रहे हैं. वो normally interest दे रहे हैं. Treasury cost. वो other sources में taxable होगा सर? Interest है तो other sources में होगा. वो TDS काटते हैं सर. Okay. Next question. Interest paid on housing loan can be considered as expenses while considering as cost of acquisition or for purpose of capital gain. इंटरेस्ट हाउसिंग लोन 2 लाख रुपए तक तो आपको माफ है ना, मेरे नीचे ना 7.5 टाइम, लेकिन अगर आपको अभी घर नहीं बना तो कॉस्ट में ले सकते हैं. ठीक है, बाय बाय करता तो कहते कि मैं वैसे करा सब चला हूं बेटा, लंबा कीजिए, मैं सोचेंगे लंबा कीजिए. कोली साहब जरा म्यूट कर लो. गुरुजी आप अनम्यूट कर लो सर, आप म्यूट हो गए. ओ चलिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेजिडेंस. अच्छा ये तो हो गया, दोबारा भी लिख देते हैं लोग. सर बहुत क्वेश्चन हो गए सर, 2.5 घंटे हो गए. इफ कजन कवर्ड इन रिलेटिव, कजन कहां से कवर्ड हो गया? ब्रदर सिस्टर बोला, मैंने अभी तो बोला कि अपने चाचा के लड़के को भी कहते हैं भाई है मेरा. अरे बोलो जो मर्जी, लॉ तो लॉ ही देखेगा ब्रदर सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम 12 रजिस्टर्ड ट्रस्ट, इज देयर एनी अपर लिमिट? नो लिमिट. वो चैरिटी के लिए, वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे ना, तो वो ऐसे कैसे दे देंगे गिफ्ट? वो रिलीफ के लिए देंगे, पुअर को देंगे, अदरवाइज उनकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी. ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ फादर एज नॉमिनी इन बैंक इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? क्या जी? अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ फादर एज नॉमिनी फ्रॉम बैंक इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? सर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ डेथ फादर का लगना है, उसके बाद जो आएगा इंटरेस्ट लगना है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी अपॉन इट्स मैच्योरिटी? 10% से ज्यादा प्रीमियम दिया था तो टैक्सेबल है, 10% कम दिया तो नहीं होगा, प्रीमियम पेड पर ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑन डिमाइज ऑफ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड फ्रॉम एम्प्लॉयर फ्रेंड्स और रिलेटिव बिलीव बी टैक्सेबल? बता तो दिया सर, या तो 10 लाख होगा सारे, तो हिस्ट्री बता दी कोविड की. FD in joint name, first name is father. What is taxability in case of death of father? कोई सर पॉइंट है कि पैसा किसका है? Joint name सर जरूरी थोड़ी है. मैं अपनी वाइफ का नाम बनाया तो वाइफ का पैसा थोड़ी है, मेरा है पहले नंबर. हाँ अगर आपका दोनों का है तो आपको बैंक को लिख के देना पड़ता है कि ये दोनों का है, तो इस तरह TDS काटो. Gift from relative is exempt. Whether this gift is to be shown in अरे बस क्वेश्चन ही नहीं. सर exempt तब है जब वो genuine हो. Exempt तब है जब gift genuine हो. नहीं तो exempt नहीं होगी, taxable हो जाएगी. सर next question. If I receive a check of ₹10 lakh from some person and for any reason it is not accepted as gift, we can assume it is a loan. ये क्वेश्चन पूछने वाले नहीं हूं, आगे बढ़िए. कैन बी ट्रांसफर डिलीट शेयर टू ए नेग्लिजिबल अमाउंट एंड क्लेम लॉस? कैन बी ट्रांसफर डिलिस्टेड शेयर टू एट नेग्लिजिबल अमाउंट एंड क्लेम? वो आजकल वो जो लिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड कंपनी के हैं, अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अगले का तो वो देगा पैसे तब ना. अगर वो कर देगा ऑफ मार्केट कर सकते हैं तो कर लीजिए. सर गिफ्ट को क्या रिटर्न में दिखाना जरूरी है? कौन कहता है दिखाना है ही नहीं कॉलम, लेकिन लोग दिखा देते हैं इसलिए कि वो एनी अदर लिखा ना जहां लास्ट में एनी अदर, वहां पे दिखा देते हैं, एनी वैसे दिखाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इन्वेस्टेड इन DHFL FDRs एंड नाउ DHFL इज इन बैंकरप्ट, इज दिस लॉस एडजस्टेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? FDR कोई कैपिटल गेन होता ही नहीं, FDR में कोई कैपिटल गेन नहीं होता, FDR इज नॉट ए कैपिटल एसेट. डेड लॉस तो फिर वो कहीं से सेट अप तो नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं, डेड लॉस. इन केस ए रियल एस्टेट कंपनी गिवन एडवांस टू परचेज ए इमोबाइल प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन फॉरफिटेड, वेदर द सेम विल बी अलाउड एज बिजनेस लॉस इन द हैंड ऑफ रियल एस्टेट कंपनी? यस होता है, उनको मिलता है.
why TCS dates not extended like TDS and other returns? इसका why में का जवाब नहीं है. Is there any possibility of extending section 148 last date of 30th June? 99.9% no. Achana, if subletting is taxable under house property or other sources, whether claim as expenses of rent paid, etc. is allowed? Certainly allowed. Any expense incurred earning that income, allowed. Under section 194Q TDS deducted on base amount of total amount, base plus GST. आ जाएगी clarity GST के बारे में आ रही है clarity. सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एसएफटी ये हो गया. सन सेंड मनी टू हिज मदर्स अकाउंट एवरी मंथ एंड सी इन्वेस्ट इन शेयर्स आउट ऑफ सेविंग फ्रॉम सच ट्रांसफर वेदर अमाउंट ट्रांसफर बाय सन एवरी मंथ इज एग्जेम्प्टेड और नॉट. फैक्ट्स का केस है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ट्रांसफर का एस्टेब्लिश करिए, सब कुछ होगा. एस्टेब्लिश हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं. Parents give gift to son, daughter-in-law and daughter below 2 lakh in cash in this time of बिल्कुल कर सकते हैं. daughter-in-law को gift देंगे तो clubbing होगी. Advance the normal course of its business is of real estate company पर question नहीं है भाई, इतना ही है. कर चुके. Which return to file in year of marriage if the person is earning income from salary only? Which return to file? In year of marriage if the person is earning income from salary, मतलब उनकी gift है तो. मैरिज से क्या लेना देना इनकम का? मैरिज से रिटर्न का क्या लेना देना? वाइंड अप करो अब. ये मैरिज से रिटर्न का क्या लेना देना भैया, मुझे समझ नहीं आई. चलो दो तीन क्वेश्चन और ले लेता हूँ फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ. कोचिंग फीस करते हैं बहुत ज्यादा. चलिए कोचिंग फीस पेड फॉर अटेंडिंग जनरल नॉलेज क्लास टू विन केवीसी प्राइज वेदर एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल. दोबारा बोलिए. कोचिंग क्लासेस लिए हैं केबीसी जीतने के लिए. जीतने के. मैंने बोला शुरू में बोल दिया लॉटरी के अंदर एक रुपए की लॉटरी खरीदो नहीं अलाउड है, एक रुपया खर्चा अलाउड नहीं है, तो ये किस बात की कोचिंग क्लासेस ले रहा है? ये कोई खर्चा अलाउड नहीं है पर मीनिंग ऑफ गेम कार्ड गेम और एनी अदर गेम. जब कह दिया कोई अलाउड नहीं है, लॉस अलाउड नहीं, कटकना नहीं, तो ये उसको कोचिंग भी ले, सब कुछ ले, टैक्स फिर भी पूरे पे लगेगा. सर क्वेश्चन तो अभी 17 क्वेश्चन बचे हैं, यदि आप कहो तो मैं ले लूं या छोड़ देता हूं. सर ऑडियंस से पूछिए, ऑडियंस थक गई है, ऑडियंस कहीं चली गई है, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो आदत पड़ी हुई है और जब रजय जी का प्रोग्राम होता है मुझे पता है 1 घंटा एक्सटेंड होगा ही होगा. चलिए सर, चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जो देख लेता हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ बस. डीडीए फ्लैट सोल्ड जेन्युइनली फॉर 12 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द एरिया इज 36 लाख. यार ये क्यों पूछ रहे हैं? जनरली का क्या मतलब है? लॉ है तो लॉ है. आपको इस एओ के पास जाना है या अपील करिए, मुझे कोई इसमें लेना है. जेन्युइन मैन कुछ नहीं होता. तब तो ये पूछते नहीं जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख हो और एक्चुअल सेल एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 हो और एक्चुअल प्राइस 40 लाख की मिल रही हो, तब तो कोई पूछता नहीं है. उल्टा जरूर कहेंगे कि ये आपको जनरली नहीं बोलते. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गिफ्ट डीड एंड प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय गिफ्ट बी रिवोकेबल विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डोनर एंड डोनिंग? ऐसा कुछ सुना नहीं सर. गिफ्ट रिवोकेबल नहीं होती है, वंस गिवन इट इज गिफ्ट गिवन, वो तो खत्म हो गया आपका कंप्लीटेड ओवर ओवर. A individual having tax liability more than 1 lakh and return filed before the extended due date but not deposited tax before 31 lakh. तो पड़ेगा इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही ना, 1 लाख से ऊपर है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देना चाहिए था, नहीं तो इंटरेस्ट पड़ेगा. Can HUF take interest free loan from member and vice versa? तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. देंगे तो ज्यादा खुशी होगी उनको, क्योंकि दोगे तो वो जेन्युइननेस पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने कोई एचएफ क्रिएट करके इनकम क्रिएट ना करी हो. देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एचएफ की इनकम ही नहीं होगी. लेने वक्त हमेशा देख लेना जेन्युइननेस हो, नहीं तो वो कहेंगे आपने इनकम क्रिएट करी है एचएफ की और स्लैब रेट का बेनिफिट ले रहे हैं, टैक्स प्लानिंग है. सर कैन एचएफ गिफ्ट टू इट्स मेंबर और को पार्टनर? सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्शियल पार्टीशन माना जाता है. करंट ईयर की इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अनइवन भी और किसी भी तरीके से. सर क्या बिटिया के बच्चे
एचयूएफ की डिमांड कर सकते हैं डिवीजन, बिल्कुल कर सकते हैं नए लॉ में। अब आ गया ये जो जजमेंट आई अभी, और डॉटर यदि एक्सपायर हो जाए देन उसके क्लेम कर सकते हैं उसके शेयर का। अब आ गया वो डॉटर ऑफ को पार्सनर है, वो को पार्सनर है और को पार्सनर के बच्चे अपने आप आ जाते हैं, शी इज आल्सो को पार्सनर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंप्लीट पार्टीशन ऑफ एचयूएफ द एसेट्स रिसीव्ड बाय को पार्सनर विल बी इंडिविजुअल एसेट्स और एचयूएफ एसेट्स? इंडिविजुअल एसेट्स, इंडिविजुअल, क्योंकि डाउन द लाइन कंप्लीट पार्टीशन होता है तो इंडिविजुअल हो जाती है। अगर वैल्यूएशन ऑफ, कई लोगों ने गलत बोला है, कई लोग क्या पार्टीशन करते हैं फादर और सन और डॉटर और नीचे वालों के साथ करते ही नहीं है, वो पार्शियल पार्टीशन है, वो कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, सारे को पार्सल में पार्टीशन होना चाहिए। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ फादर कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 2001 व्हिच वाज परचेज्ड बिफोर 1970? व्हाई शुड यू रिकॉर्ड इट? रिकॉर्ड जो मर्जी करिए, वैल्यू तो वही ली जाएगी जब बेचेंगे तो। 2001 की वैल्यू अलाउड है, इंडेक्स कर लेना। अगर फादर ने प्रीवियस ईयर 2001 से पहले की खरीदी हुई है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं, और अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया तो मार्केट वैल्यू लेते हैं प्रीवियस ओनर। इन केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम? माइंड अप करो भाई, बता दिया, माइंड अप, माइंड अप। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम का विशेष तौर से, क्योंकि मैडम के आने के साथ ही हमारी संख्या 736 पहुंच गई आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम के आने के लिए। लेकिन मैं वजह से हुई है, मेरे आने से थोड़ी हुई है। और मैडम आज आपको पढ़ने का सौभाग्य भी मिल गया जो आपको एसआरसीसी में नहीं मिला। मैं पढ़ती रहती हूँ, आपको क्या पता, ऑफलाइन करते रहते हैं मैडम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय शर्मा जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर आप एक अपार सागर है नॉलेज के, हमें ये नहीं पता, और हम आपके एक बूंद के प्यासे हैं, यही कह सकता हूँ। दूसरा सर देखिए, जिस तरह से आप हर चीज हम एक्सप्लेन करते हैं विद क्लैरिटी एवरीथिंग, देयर इज नो मैच इन द कंट्री, देयर इज नो मैच एट ऑल इन द कंट्री। सर एक तो जैसे वो जब भगवान वहां पे बरबरी से पूछा गया था महाभारत के अंदर कि आपको इसके अंदर क्या नजर आया, तो एक सबसे उसका जवाब था जी मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नजर आए। उसी तरह सर जब इनकम टैक्स की बात होती है तो डॉक्टर गिरीश आहूजा के अलावा हमारे कुछ नजर नहीं आया। और सर पहाड़ पे मत चढ़ाओ, मुझे उतरना पड़ेगा, चढ़ गया तो उतरूंगा कैसे मैं? आपको आज 29 जून को 75 साल और एक महीने की बहुत बहुत बधाई। आज आप पूरे 75 साल एक महीने भी हो गए हैं, उसकी बहुत बधाई। और सर मैं ये मैडम ने जैसे बोला था कि ये पद्मश्री, देखिए सर यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर भारत रत्न, बट आई थिंक वी शुड एटलीस्ट गो फॉर पद्म विभूषण और पद्म भूषण, यू आर डिजर्विंग फॉर दैट। मैडम पद्मश्री तो बहुत पीछे की बात है, बट इट दैट इज द फर्स्ट एड ऑफ सिटीजन, ही डिजर्व द टॉप। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पैनलिस्ट, सुनील धमीजा जी हु इज अ फ्रेंडली नेबरहुड, जगजीत जी माय यंगर ब्रदर। जब मेरी बीवी जिंदा थी कोई मेरी प्रेज नहीं करता रहा, तो मैं उसको बताता देखो मेरी कितनी प्रेज हो रही है, आप तो बेचारी चली गई मेरी प्रेज करे जा रहे हैं। और एल्डर सिस्टर लाइक मैडम रेनू, मैडम रानू जैन जी हु इज टुडे हियर, जिन्होंने आज आके इस शोभा बढ़ाई है। सर आपके साथ हमें भी सौभाग्य मिल गया इनको होने का। और सर लेट मी क्लैरिफाई, माय सन इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड, ही इज 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मेमोराइजिंग। यही कह सकता हूँ, शत शत नमन। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच। और अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का, गुरुजी को बिल्कुल मैक्सिमम लेक्चर कोविड के टाइम पर अब तक मैंने रजेश जी के लिए दी। कितने हो गए बताएंगे नहीं, 30-40 पता नहीं कितने हो गए, मुझे पता ही नहीं। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शर्मा जी।
संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी धर्मेश साहब, जगजीत जी, मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।